चैप्टर नंबर वन का नाम है फंडामेंटल्स, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में आप मानो कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 नंबर तक का, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, सारी चीज़ें एक बार पूरी गो थ्रू करते हैं, बेसिक थ्योरी भी और कॉन्सेप्ट्स भी। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। वो तो बेसिक डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम पार्टनर्स कहते हैं और जो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि फर्म और पार्टनर्स कानून की नज़रों में एक ही बात है, लेकिन पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है। यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम पार्टनरशिप के नज़रिए से करते हैं, पार्टनर्स के नज़रिए से नहीं करते, ठीक है। फिर हमसे कुछ बेसिक फीचर्स पूछ सकता है, वो हमें पता होने चाहिए। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग चाहिए, ये पता होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न वाले को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस कैरी करना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर हम लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर वो पार्टनरशिप मतलब इसके अंदर कवर नहीं होगा, बिजनेस शुड बी लीगल। फिर एक और बड़ा अच्छा हमने पॉइंट पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन लॉस शेयरिंग होना यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो एक पार्टनर ऐसा बोल सकता है कि जो बोले कि मैं लॉस नहीं लूँगा, तो ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था पार्टनरशिप का वो था म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। बाकी फिर आपको राइट्स लिखवाए थे पार्टनर्स के, मतलब कि पार्टनर्स के कुछ अधिकार होते हैं, वो बहुत ही बेसिक हैं, उनको रीड कर लेना आप, सिंपल है कि वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे कंसल्ट किया जाएगा, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो प्रॉफिट शेयर करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वो किसी नए पार्टनर को एडमिट होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है ना। बाकी अगर वो रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो सकता है, और पार्टनर जो है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह की मतलब कुछ उसके अधिकार होते हैं। फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी लिख लिया था, वो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत, रजिस्ट्रार का इस पर साइन होता है फर्म्स के। और पार्टनरशिप डीड बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए या पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको फिर ईजिली हम सेटल कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाने का ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा बता देंगे। बाकी पार्टनरशिप डीड में एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, नाम पता बिज़नेस का, पार्टनर्स का, बिज़नेस का नेचर कैसा है, कब बिज़नेस शुरू हुआ, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो अब आपके को बहुत सिंपल हैं अब आपके लिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बेसिकली क्या होता है कि अगर पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें पार्टनर अगर कुछ पैसा विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, तो बदले में फिर वो इंटरेस्ट पार्टनर से ड्रॉइंग का ले लेता है, ये उसके लिए एक इनकम होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ड्रॉइंग्स एक अलग चीज़ होती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक अलग चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रॉइंग जो होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है। तो इसीलिए आगे चल के इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो ये वाला होता है, पहला वाला। ड्रॉइंग्स को ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है वो होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सेम होता है। तो इसीलिए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो टेम्परेरी नेचर का है, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल में से हमेशा हमेशा के लिए पैसे निकाल के ले गए, तो वो परमानेंट नेचर का होता है ना। अभी इसीलिए हमको ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरह से पढ़ना और समझना इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। तो इसका आप डायग्राम देखना बड़े ध्यान से। अब जैसे फर्म ने एक लोन दिया पार्टनर को, ठीक है, तो ये फर्म के लिए एक एसेट है क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म इस पर बदले में पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट जो है ये क्या है, सिर्फ इनकम। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें डायग्राम को, यानी कि इस बार अगर आप डायग्राम देखो तो इस बार फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इस बार फर्म को इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो इन दोनों की अकाउंटिंग भी मतलब हमें अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी आगे चल के।
बाकी कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, वो आपको बता दिया था कि भाई माइनर को एडमिट हम कर सकते हैं लेकिन सबकी सहमति से और बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, तभी कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। बाकी दूसरी बात ये कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। अगर आपको कराना है तो आप कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। और आम तौर पे एक पॉइंट लिखा था कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल बनाया था कि जॉन सीना की डेथ हो गई तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा जनरली। बाकी पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटियाँ होती हैं, दो लाइबिलिटीज़ हैं मेनली, कि जैसे अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और आप उसी पार्टनरशिप फर्म के कॉम्पिटिशन में कोई बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो बिना उनकी सहमति के, तो फिर आप जो भी प्रॉफिट्स उससे कमाओगे वो भी आपको फिर अपनी ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने लिए एक पर्सनल कोई प्रॉफिट कमा लेते हो या पैसे कमा लेते हो, तो वो भी पैसा या प्रॉफिट आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटियाँ पार्टनर की होती हैं। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे पार्टनर को, ज़ीरो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे, ज़ीरो। सैलरी ज़ीरो, कमीशन पार्टनर को ज़ीरो। प्रॉफिट शेयरिंग बांटेंगे इक्वल, और जब इंटरेस्ट पार्टनर को देने की बात होगी तो ध्यान रखना तो हम 6% पर एनम देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की बात होगी तो फिर ज़ीरो लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट करा था, ये अब आपको सिंपल है आपके लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें कंपलसरीली देनी पड़ेंगी चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए, और अप्रोप्रिएशन वो होता है जो हम पार्टनर्स को देते हैं, जैसे पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको हम चार्ज अप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं। बाकी तीन चीज़ें आपको चार्ज याद रखनी है, बताओ क्या क्या। रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, और मैनेजर को अगर कमीशन। हमारे 12th के कोर्स में ये तीन मेन चीज़ें हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहती हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको फिर बातें समझा दी थी। चलो एक बार अकाउंटिंग अब दिखा देता हूँ, जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। अब जैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो देखो इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ। तो हमने एक एग्जाम्पल करा था कि फर्म ने लोन लिया 1,00,000 रुपये का, और इसके बदले में फर्म अब इंटरेस्ट पे करेगा, तो इस इंटरेस्ट की आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, या लोन जो लिया इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो लोन लेने की जर्नल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है जो हमने कैलकुलेट करा था 18,000 रुपये है ना, उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो सबको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो बताओ याद है इंटरेस्ट की एंट्री? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, ये आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट इसलिए करा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और वो लोन को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये लॉजिक भी बताए थे। तो एंट्री याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन। बाकी नेक्स्ट एंट्री वो ऑप्शनल सी है कि भाई उस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, P&L के डेबिट साइड पर। तो एंट्री बन गई P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये तो एक नॉर्मल एंट्री है, ठीक है जी। बाकी लोन अकाउंट को अगर बोले कि प्रिपेयर करो, तो वो भी आपको सिखा दिया था लेजर के माध्यम से कि जब हम लोन लेते हैं तो उसकी पोस्टिंग करते हैं बाय बैंक, वो आप वहाँ पर देख लो स्क्रीन पर, और जो इंटरेस्ट होता है वो देखो लोन को बढ़ा रहा है तो उसको भी क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर देते हैं बाय इंटरेस्ट। तो अब लोन की लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी टोटल, 1,18,000, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह आपको एक और कहानी की अकाउंटिंग याद रखनी है, वो है इस बार आप डायग्राम को ध्यान से देखना। इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और बदले में अब पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस मिलने वाले इंटरेस्ट की हम क्या एंट्री करेंगे। देखो जी, अब ये इनकम है फर्म के लिए, तो इस बार एंट्री जो हो रही है वो हो रही है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से हम ले रहे हैं पैसा तो इसीलिए पार्टनर को डेबिट करते हैं, और फर्म के लिए इनकम है तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करते हैं। तो आपको पहली एंट्री बिल्कुल ध्यान रखनी है, रट के जानी है घर से। बाकी सेकेंड एंट्री ऑप्शनल है कि इसको P&L में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस पर आपसे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है।
अच्छा, फिर इसी तरह था रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। ये सिंपल है कि अगर हमें पार्टनर को कोई रेंट पे करना है या पे कर दिया जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री क्या लिखवाई थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले तो सिंपल, उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अगर पेबल है तो, और फिर पीएनएल में उस रेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी रेंट की। ठीक है ना, तो इसके भी एग्जांपल आपको करवा दिए गए। अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जो हमारे मतलब एग्जाम में तीन या चार नंबर का आता है, वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो वो तो अब आपको याद ही हो गया होगा मोटा मोटा, जो कॉन्सेप्ट में भी बनवा रखे है ना, तो डेबिट में क्या आएगा क्रेडिट में वो तो सब आपको पता ही है ना। बाकी इसके एक दो एग्जाम्पल जो थे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो अच्छे वाले थे। कि अब कई बार क्वेश्चन में मतलब हमारा अलग अलग हमें अप्रोप्रिएशंस दे रखे होंगे और हमें उन अप्रोप्रिएशंस को पुट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ऐसे ही करा था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या था कि हमने मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया भी है और पार्टनर से लोन लिया भी है, तो अब फर्म को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, और फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा भी वो फर्म के लिए इनकम हो गई। तो इस तरह का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। तो बस उसका क्रक्स क्या है वो दिखा देता हूँ। तो हम इस इंटरेस्ट मिलने को या देने को पीएनएल में देखो कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, वो आप देख सकते हो। जो हमारा एक्सपेंस है उसको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड, और जो हमारी इनकम है उसको कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। तो इस पर एक क्वेश्चन बुक के अंदर भी है इसी तरह का। इसी तरह फिर हमने एक टॉपिक करा था ट्रांसफर टू रिजर्व का, ये बड़े ध्यान से सुनना। अब ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है कि लेट से हमने एक एग्जांपल लिया जहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 80,000 का, इंटरेस्ट है 10,000 का ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 15,000 है, पार्टनर की सैलरी 9,000 है। ठीक है, अब हमें रिजर्व निकालना है। अब यहां पर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन कहता है कि 10% रिजर्व निकालना है ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं, 80,000 को। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमेशा किसे बोलते हैं, 80,000 को। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो किसे बोलते हैं, जब आप हाँ क्रेडिट के टोटल में से इंटरेस्ट और सैलरी को माइनस कर दोगे, जो आपके पास बचेगा बेसिकली, तो जो आपके पास अभी बच रहा है 66,000, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन कह दे 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि रिजर्व भी आपको अब डिडक्ट करना है, और उसको क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आपको ये स्पेशल फॉर्मूला मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे वो लगाना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिविजिबल प्रॉफिट। तो मतलब देखो दो शब्द बहुत ही क्रिटिकल हैं कि अगर क्वेश्चन डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कह रहा है तो आप 66,000 का निकालोगे, लेकिन अगर वो 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कह रहा है तो फिर आपको 10 अपॉन 110 करना पड़ेगा ऑफ 66,000, है ना। तो ये बात बहुत क्रूशल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि किसका करना है। तो क्लियर हो गई कहानी। तो ये भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी इसी तरह एक छोटा पॉइंट होता है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो इसका तो सिंपल मतलब आपको बस क्लियर होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने से पहले, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद। तो ये मतलब एक सिंपल शब्द है, उस समय हमने इसके छोटे छोटे एग्जांपल कर लिए थे, ठीक है ना। अब बड़ी कैलकुलेशंस के अंदर हम चलते हैं। तो हमने जैसे कुछ एक एग्जांपल बनाया था, यहाँ पर वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है हमने, जैसे हमारे पास 2,00,000 का नेट लॉस था, ठीक है, क्या था, नेट लॉस। 1,00,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 240,000 की सैलरी थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000 का था। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 2,00,000 का नेट लॉस है और 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस चल रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम कोई भी अप्रोप्रिएशन इसमें नहीं देंगे। तो आप देखो आपको ब्लॉक बना के कटवा रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर बिजनेस में नेट लॉस हो गया है ना, तो फिर हम पार्टनर को कोई अप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर आईओसी और सैलरी दोनों कटी हुई हैं, लेकिन आईओडी नहीं काटना। वो क्यों नहीं काटना, क्योंकि वो तो इनकम मिल रही है ना, वो थोड़ी ना रोकेंगे हम। तो
आईओडी जरूर लिखनी है, लेकिन आईओसी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, तो देने वाली कोई चीज़ नहीं देंगे, मिलने वाली तो जो मिल रही है वो मिलती रहेगी। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर हमने ट्विस्ट करा, मान लो आईओडी ज़्यादा मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा बन गया था पॉइंट। इस बार आईओडी हमें मिल गया 3 लाख रुपए, कितना मिल गया 3 लाख, और लॉस हमारे पास था 2 लाख का। तो इस बार देखो, वो ब्लंडर वाला छोड़ो, तो इस बार हमारे पास 1 लाख रुपए हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम इस बार 1 लाख रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आप ये देखो, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास प्रॉफिट है कम लेकिन अप्रोप्रिएशन है ज़्यादा, तो फिर आपको वो प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, बस आप देख लेना। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1 लाख रुपए का, राइट? कितने रुपए का देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख रुपए का। और सैलरी कितने रुपए की देनी थी हमको? 240 की। तो हमने इन दोनों फिगर्स का रेशियो निकाल लिया था, जो कितना निकला था फाइनली, 5:12। तो हम अपने 1 लाख के प्रॉफिट को किस रेशियो में हमने बांटा था? 5:12। तो इंटरेस्ट मिलेगा 29,412 और सैलरी मिलेगी 70,558। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हो गए। इसी पर आपसे एक एग्जांपल करा लिया था, जो आपने मेरे से चेप के बाद में सही कर लिया था। फिर अगला कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, तो ये भी याद रखना है। देखो, दो मेथड्स होते हैं, एक को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? अब फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, वो तो ये सब बातें तो आपके लिए सिंपल हो गई, तो याद ही होगा। एक होता है कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स रहता है, और एक होता है करंट अकाउंट, जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में एक ही अकाउंट के अंदर हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो ये तो अब आपको पता ही है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हमको पता लग जाएगा। तो इसके तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स जो आपको करवाए थे वो बेसिक्स हैं, वो आपको हो जाएगा, ठीक है? फिर हमने क्वेश्चंस भी करे थे बुक के कुछ कुछ, वो सब सिंपल क्वेश्चंस थे, जिसमें डीड साइलेंट है या हमसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, अप्रोप्रिएशंस देखो यहाँ पर ज़्यादा थे, प्रॉफिट कम है, तो फिर से रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांटना है, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखो कैसे बनेगा, एक ब्रीफ आइडिया ले लो। इसमें सिर्फ टोटल 4 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, बस, ठीक है? ये 4 चीज़ें आएंगी, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में लिखेंगे हम, यानी कि जो भी चीज़ें आप पार्टनर को दे रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सब क्रेडिट में चला जाएगा, और डेबिट में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो उसके कैपिटल को कम कर रही हैं, है ना? जैसे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या लॉस, या पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, जिस एक ही अकाउंट के अंदर आपको सब कुछ लिखना है, आपको कैपिटल्स भी लिखनी है, आपको इंटरेस्ट्स भी लिखने हैं, मतलब सारे अप्रोप्रिएशंस भी लिखने हैं, सब कुछ लिखना है, तो इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोल देंगे। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं कैलकुलेशन पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम के हिसाब से। टाइम का मतलब है, ओपनिंग कैपिटल आपकी 3 महीने तक चली तो आप उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, फिर अगर वो चेंज हो गई तो फिर नए पे निकालोगे, फिर चेंज हो गई तो फिर नए पे निकालोगे, तो आपको पूरे साल में जितनी बार भी कैपिटल चेंज हुई उतनी बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना? अब इसमें क्वेश्चन कई बार आपसे क्या चालाकी कर सकता है कि वो ओपनिंग कैपिटल आपको ना दे, वो क्या कर देगा? ओपनिंग कैपिटल मिसिंग छोड़ देगा, तो फिर आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो वो आपके लिए थोड़ा मतलब ध्यानपूर्वक करने वाली चीज़ बन जाएगी, है ना? तो इसके हमने एग्जांपल्स भी करे थे और इसकी तो हमने वर्कशीट के अंदर खूब सारे क्वेश्चन भी करके देख लिए थे, तो वो आप छोटे छोटे एग्जांपल दोबारा से अपने आप रेफ़र कर सकते हो, इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये बात का ध्यान रखना है कि जैसे एक हमने एग्जांपल करा था, लेट्स से ये वाला, अब इसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग थी, तो देखो मैंने क्या करा, पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड आउट करा? ओपनिंग कैपिटल, है ना? उसमें क्या फाइंड आउट करा? ओपनिंग कैपिटल। और फिर उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल पर, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लो, टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा,
है ना, जैसे पहले एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर से कैपिटल चेंज हो गई तो फिर दो महीने का करा, फिर से कैपिटल चेंज हो गई फिर पाँच महीने का करा, फिर से कैपिटल चेंज हो गई तो चार महीने करा, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ऐसे निकालने का, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड हमारा होता है। अच्छा, अब आते हैं अकाउंटिंग पर। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? नहीं। तो पहला पॉइंट बन गया नो आईओसी। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हम आईओसी नहीं देंगे। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप आईओसी को अप्रोप्रिएशन मानते हो या चार्ज मानते हो? क्या मानते हो? अप्रोप्रिएशन। तो अगर आपको आईओसी को कुछ ट्रीट करना है तो आप क्या ट्रीट करोगे? अप्रोप्रिएशन। और थर्ड केस है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि आईओसी को तो चार्ज की तरह मानो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना पड़ेगा, तो फिर तो हम उसको क्या मानेंगे? देना ही पड़ेगा, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो वो क्वेश्चन में हमको दे देगा कि भाई हमें क्या मानना है, ठीक है ना। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके मतलब कैलकुलेशन पर बेस्ड कहानी। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन पर चलते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में थोड़ी सी क्रिटिकलिटीज हैं, क्या क्या? देखो, सबसे पहले तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हो जाए ना, सबसे पहले रेट के आगे चेक करो पर एनम है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेट के आगे क्या चेक करना है? पर एनम। अगर पर एनम नहीं है, पहले सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पर एनम नहीं है तो फिर तो आपको सिंपल सी बात है कि कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई टाइम पीरियड, कोई एवरेज पीरियड, कुछ ड्रामा नहीं करना। आपको सिंपली 10% जो भी ड्रॉइंग दे रखी है उसको सीधा अप्लाई करना है। मान लो ड्रॉइंग दे रखी है 1,00,000, तो सीधा 1,00,000 का 10% कभी भी विड्रॉ कराओ, अब कोई चक्कर नहीं है, कोई टाइम फैक्टर नहीं है। तो अगर रेट के आगे पर एनम नहीं है तो आप सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, नो टेंशन। लेकिन अगर रेट के आगे पर एनम है तो फिर आपको दो तरह के क्वेश्चन दे सकता है, एक होते हैं इररेगुलर ड्रॉइंग के और एक होते हैं रेगुलर ड्रॉइंग के। इररेगुलर ड्रॉइंग मतलब कौन सी होगी? जो किसी भी दिन कोई भी अमाउंट निकाल रहा है। और रेगुलर ड्रॉइंग मतलब हो जाती है जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसे बोलता है हर महीने स्टार्टिंग में या बीच में या हर क्वार्टर में, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर इररेगुलर ड्रॉइंग की मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। लेकिन आप यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई भी एक पकड़ लो और उससे निकाल लो। जैसे एक हमने एग्जांपल करा था, अलग अलग डेट्स पर इसने अलग अलग ड्राइंग करी। तो अगर हम सिंपल मेथड से निकालें तो ये देखो, यहाँ हमने कैलकुलेशन कर रखी है कि भाई अलग अलग डेट्स पर जो ड्राइंग करी हैं उन पर अलग अलग टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकल जाएगा, 11 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 2 महीने का। तो ये आ गया इंटरेस्ट सिंपल मेथड से। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट मेथड से करना हो इसी को सॉल्व, तो फिर पहले आपको एक महीने के कॉलम से अमाउंट के कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो लास्ट में कॉलम आ गया प्रोडक्ट कॉलम, और फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, मतलब क्योंकि मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, डेज में होता तो 1/365। तो मज़ेदार बात ये होती है कि आंसर इससे भी सेम आता है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्वेश्चन कभी भी बोलेगा नहीं कि इसी मेथड से लगाना है ना। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसके रेगुलर ड्रॉइंग्स के, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है एक बार याद करें तो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, महीनों की अगर बात करें तो। अगर एवरेज पीरियड डेज में होगा तो एवरेज पीरियड अपॉन 365, और अगर एवरेज पीरियड वीक्स में होगा तो एवरेज पीरियड अपॉन 52, है ना। तो हालांकि होगा नहीं, लेकिन आपको डराने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, एवरेज पीरियड होता क्या है वो बताना चाहिए। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितना भी टाइम बच रहा है प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितना भी टाइम बच रहा है होल डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया निकालने का तरीका, लेकिन आपको उससे भी बच के रहना है, मतलब बच के मतलब उसमें भी टाइम वेस्ट क्यों करना, कि आप सिंपल ये वैल्यूज़ याद रखो कि अगर हम मंथ के बिगनिंग में निकाल रहे हैं
तो एवरेज पीरियड है 6.5, मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6 और एंड में निकाल रहे हैं 5.5, क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 7.5, मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6, एंड में निकाल रहे हैं तो 4.5। तो ये स्टैंडर्ड एवरेज पीरियड्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर कुछ ट्विस्ट कर दे तो आप निकाल सकते हो। जैसे हमने एक दो क्वेश्चन बुक के जब करे या एक दो कहानियाँ दी तो उसमें ये सब बातें होती हैं, है ना। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ अच्छे वाले बुक के, आप चाहे मार्क भी कर लेना, मतलब नंबर लिख लेना, बुक के क्वेश्चन हैं। जैसे ये सब हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करे थे, जैसे बुक का एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये एक क्वेश्चन है 11th, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं है, लेकिन मतलब मैं दिखा रहा हूँ बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें वो वाली बात हो रही है, एक बार पीएनएल पे नज़र मारो। इसमें फर्म इंटरेस्ट पे भी कर रही है और फर्म को इंटरेस्ट मिल भी रहा है ना, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन के अंदर वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है। इसी तरह मैं आपको अगर आईओटी की कैलकुलेशन पर लेकर जाऊँ, तो जैसे ये हमने अलग अलग क्वेश्चंस करे थे, ये तो सब आपके रजिस्टर में सॉल्व हैं। तो देखो जैसे, हाँ एक ऐसी ये वाला भी देख लो। अब जैसे ये एक क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है लेट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने दो तरह की ड्राइंग्स दे रखी थी, एक में लिखा था जो आप पूछ रहे थे देखो विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल, और एक आगे लिख रखा था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो है ना वही पॉइंट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो टेम्परेरी है नेचर वाले, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो परमानेंट नेचर का। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन के अंदर मतलब इस तरह से आती हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको आईओडी वाली कैलकुलेशन पर यहाँ ले जाता हूँ। देखो ये हमने कुछ सवाल करे थे, तो जैसे एक 41 क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में लिखा था कि ए जो है रेगुलरली 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है ना, और हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है लिखा था, लेकिन इसमें ये दे रखा था कि फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट ये हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन 12 महीने का नहीं है, क्वेश्चन 6 महीने बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका ईयर एंड कब हो गया, 30 सितंबर को। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो हमने बस 6 महीने ही यहाँ पर ड्राइंग करी, पूरे साल नहीं करी, सिर्फ 6 महीने ही ड्राइंग करी। तो अब देखो यहाँ पर आपसे एवरेज पीरियड अगर निकलवाया जाए या पूछा जाए तो क्या आएगा, देखो एवरेज पीरियड बताओ। तो हाँ अब देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो हम लेंगे सिर्फ 6 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम लेंगे सिर्फ 1 महीना। तो आपका एवरेज पीरियड यहाँ पर आएगा 3.5, है ना। तो एवरेज पीरियड मतलब अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे तो फिर आपको निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि जब हमने पहली ड्राइंग करी उसके बाद 6 महीने बच रहे हैं, और जब हमने आखिरी ड्राइंग करी तो उसके बाद सिर्फ 1 महीना बच रहा है ना। मैंने येलो और ब्लू कलर भी कर रखा है डायग्राम पर। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर कितना आएगा, 3.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है बुक का, मार्क कर लेना चाहे देखने के लिए। इसी तरह देखो क्वेश्चन 42, इसमें भी सेम कहानी। अब इसमें वो हर महीने के एंड में पैसे निकाल रहा है, लेकिन कब तक निकाल रहा है लिखा है अप टू 30th सितंबर तक निकाल रहा है, फिर से 6 महीने का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 5 महीना, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो कुछ होगा ही नहीं, 0। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आपका आएगा 2.5, ठीक है। अब 43 क्वेश्चन देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना चाहें। अब देखो इसका अगर आप डायग्राम देखो, जो ये क्वेश्चन हमने करा था, इसमें इस आदमी ने देखो जो विड्रॉ करा है, पैसा ड्रॉ करा है, वो लिखा है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो चाहें, कि बी एन सी शेयर प्रॉफिट जो इक्वली सी रेगुलरली विड्रू 5,000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। तो इसका मतलब है सी ने सिर्फ सितंबर तक पैसे निकाले, लेकिन अभी ईयर एंड नहीं हो रहा सितंबर में, आगे पूरा दे रखा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ईयर एंड 31st मार्च को ही हो रहा है, तो आप अगर डायग्राम देखो तो वो पूरे 12 महीने का ही है, लेकिन उसने ड्राइंग सिर्फ कब तक करी, सितंबर 1 तक, 1 सितंबर तक। तो इस बार अगर आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो हो गया पूरे 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग जो उसने करी 1 सितंबर को, उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना बच गया, 7 महीने। तो इस बार जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा
9.5. तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मतलब बट आपको एवरेज स्पीड का फंडा समझ आ गया कैसे निकालना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये उसके अच्छे क्वेश्चन थे. अच्छा, अब इसमें एक और तरह के अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये तो चलो एक IOC IUD का करवाया था आपको. और अच्छे तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि किसी किसी में आपको इंटरेस्ट दे देगा और आपको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे ये क्वेश्चन था 47, लेट से अब 47 में आपको मंथली ड्राइंग निकालनी है ना, मंथली ड्राइंग निकालनी है. और उसने जैसे केस वन में दे रख, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है कि 1950, देख रहे हो आपको इसने इंटरेस्ट दे रखा है 1950, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, मंथली ड्राइंग. तो इस बार देखो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज पीरियड लगाएंगे, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल जाएंगी 36,000 रुपये. लेकिन उसने टोटल ड्राइंग्स नहीं पूछा, उसने पूछा था कि मंथली ड्राइंग्स बताओ कि महीने में कितनी हुई, एक महीने की मतलब कितनी हुई. तो उसको फिर 12 से डिवाइड करा, तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 3,000 पर मंथ. मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है. आमतौर पर ड्राइंग्स देता है और इंटरेस्ट पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है स्पेशलिटी, इंटरेस्ट दे रहा है और ड्राइंग्स पूछ रहा है. तो ये भी आपका एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन. इसी तरह एक और क्वेश्चन था, वो भी इसी तरह का था, मतलब 50 में भी यही है. 50 में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है. इस बार उसने ड्राइंग भी दे दी, इस बार आप उसने आपको इंटरेस्ट भी दे दिया, इस बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट बताओ. तो फॉर्मूला वही लगेगा. तो देखो हमने इंटरेस्ट पुट करा, ड्राइंग भी पुट करी, लेकिन मिसिंग फिगर क्या फाइंड आउट हो रही है, रेट फाइंड आउट हो रही है. तो क्लियर हो गई कहानी, यहाँ तक समझ आई, चलो बहुत बढ़िया. अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. देखो IOC IUD की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है. तो जब आप देखो रिवाइज करो ना, तो आप ये सीखोगे कैसे रिवाइज करना है. IOC की कैलकुलेशन पे फोकस करना अच्छे से, IUD की कैलकुलेशन पे फोकस करना अच्छे से, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो एक अगला जो कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है, ये बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक क्वेश्चन मतलब शॉर्ट ही होता है कि आता ही आता है, ठीक है. अब इसमें देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि इसमें कुछ गलती होगी, गड़बड़ होगी, हमें वो गलती सही करनी है. तो देखो मैंने हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसमें तीन तरह के एरर्स बनाए थे. पहला था जिसमें हम अप्रोप्रिएशंस की कोई मिस्टेक करते हैं, राइट. तो सारे आपको सिखा दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, बस आप सुनते रहना ध्यान से स्टेप बाय स्टेप. देखो पहला था ओमिशन ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है, लेट से कि फर्म ने अपने प्रॉफिट बांट दिए, लेकिन ऐसा लिखा है कि फर्म IOC देना भूल गया, IOC नहीं दिया. तो अब क्या स्टेप सिखाए थे, क्या करेंगे आपको, सिंपल स्टेप बताओ. नहीं, वो नहीं करना, यही सिखा रहा हूँ. शॉर्ट, सबसे शॉर्ट और इजी तरीका क्या है, अगर सिर्फ हम अप्रोप्रिएशन देना भूल जाते हैं ना, तो ये देखो टेबल में स्टेप, आपको वो इंटरेस्ट क्रेडिट करने देना है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर हमने कितना इंटरेस्ट दिया दोनों को, 3,000, सिंपल, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 6,000. उस 6,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना है, वापस लेना है, बस सिंपल. तो आपको ये याद रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम कोई अप्रोप्रिएशन देना भूल गए, मान लो आप IOC देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए पार्टनर को, या कमीशन देना भूल गए, तो आपके सिंपल स्टेप क्या हैं कि IOC क्रेडिट कर दो, सैलरी क्रेडिट कर दो, कमीशन क्रेडिट कर दो, और उन सबको जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो. बस मेरे शब्द याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. अच्छा, बाकी दो अप्रोचेस थी, मैंने आपको बताया था सेकंड अप्रोच हमारे लिए बेकार है, तो वो आप नोट्स में से रीड करके बस भूल जाना कि हमने रीड भी करा है. हमारे लिए एडजस्टमेंट एंट्री पहले अप्रोच से ही करनी है, जो पार्टनर टू पार्टनर वाली होती, पहली वाली मतलब हमने लिख ली थी, कर ली थी, लेकिन वो नहीं होती, तो छोड़ो उसको. अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखना. देखो अब इस बार हमने सैलरी और कमीशन दो चीज़ें नहीं दी पार्टनर को, तो देखो क्या स्टेप बनेंगे, खुद बोलो बिना देखे, सैलरी क्रेडिट, कमीशन भी क्रेडिट, और फिर सबको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट. तो देखो आपका आंसर आ जाएगा, हो गया सिंपल, बस. अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट था ओमिशन ऑफ IOD, है ना, ओमिशन ऑफ IOD. अब IOD हम पार्टनर से लेते हैं, है ना, तो इस बार उल्टा हो गया,
आईओसी तो क्या है, देते हैं, लेकिन हम आईओडी पार्टनर से लेते हैं। तो इस बार हमारे को स्टेप भी उल्टे करने पड़ेंगे। तो देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था कि भाई मान लो पार्टनर से हमने आईओडी नहीं लिया 8,000 रुपये ईच, तो क्या स्टेप बनेगा? देखो, आईओडी डेबिट, पार्टनर से आईओडी हम लेंगे, लेने जब भी पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, पार्टनर को जब भी देना हो तो क्रेडिट, तो आईओडी डेबिट, और फिर उसके बाद दोनों को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने करा था, इसमें भी वही आईओडी डेबिट और फिर इसको जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो आपको स्टेप्स याद रखने की क्या करवाया है ना, स्टेप्स याद रखने। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो यही स्टेप्स हैं, लेट से यही स्टेप्स हैं, जैसे पहले उस एग्जांपल से समझा देता हूँ, अप्रोच टू भी समझा देता हूँ। देखो, लेट से मान लो आ ही जाए, है ना, और हमें करना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अप्रोच टू में क्या है, आपका पहला स्टेप क्या था? देखो यहाँ पर, जैसे पहला स्टेप क्या है, आईओसी आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब पार्टनर को दे रहे हो। तो अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है ना, तो आप इसकी जर्नल एंट्री देखो, पार्टनर्स को क्रेडिट करने के लिए मैं क्या जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या लिख रहा हूँ, क्रेडिट लिख रहा हूँ। तो एक्स भी क्रेडिट हो गया, वाई भी क्रेडिट हो गया। फिर देखो दूसरा स्टेप क्या है, 6,000 रुपये में डेबिट कर रहा हूँ एक्स को और वाई को, डेबिट कर रहा हूँ 4,000, 2,000। तो सेकेंड एंट्री देखो क्या हो रही है, तो एक्स को भी डेबिट करूँगा, वाई को भी डेबिट करूँगा, और क्या लिख दूंगा, टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको ये समझाया था कि पीएनएल एडजस्टमेंट आपस में देखो कट जाएगा, अगर आप इन दोनों एंट्रियों को मर्ज कर दो, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप मर्ज कर दोगे तो पीएनएल एडजस्टमेंट आपस में कट गया, तो अल्टीमेट नेट इफेक्ट यही बचेगा पहला वाला। तो एग्जाम में आप वैसे पहले वाला ही फॉलो करो, सेकंड वाला बहुत रेयर है कि पूछे, लेकिन पूछ ले तो आपको आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार रिपीट करो, पहली वेराइटी क्या हो गई एरर की, अप्रोप्रिएशन देना भूल गए। दूसरी वैरायटी क्या हो गई, आईओडी लेना भूल गए। ठीक है, हमेशा ऐसे रिवाइज करना, हमेशा जब रिवाइज करो तो ये सोचना मुझे दो बातें हो गई। अच्छा, फिर तीसरी गलती स्पेशल, अब हम आईओसी देना भी भूल जाएंगे और आईओडी लेना भी भूल जाएंगे, मतलब अब आप थोड़ा मल्टीपल गलती कर रहे हो। कितनी गलती कर रहे हो, दोनों गलतियां कर रहे हो, आईओसी देना भी भूल रहे हो और आईओडी लेना भी भूल रहे हो। तो इसमें मैंने आपको एक फ़नी तरीके से सिखाया था, उस फनी तरीके से चाहे याद रखो, चाहे जैसे मर्जी याद रखो, वो अब आपकी टेंशन है कि अब हमें क्या करना है। देखो एग्जांपल वन को देख लो, जैसे हम आईओसी देना भूल गए तो पहला स्टेप तो क्या होगा, देखो आईओसी क्रेडिट दे देंगे। फिर हम सैलरी देना भूल गए थे तो पहला स्टेप, मतलब अगला स्टेप क्या लिख दिया, सैलरी क्रेडिट। फिर हम आईओडी लेना भूल गए थे तो अगला स्टेप क्या हो गया, आईओडी डेबिट। तो यहाँ तक तो ओके हो गया। अब आपको सिखाया था कि अब हमें भगवान कृष्ण का क्या लगाना है, रूल एक ऐसी समझाया था, कमज़ोर का साथ देना है। कमज़ोर का साथ देने का मतलब मैंने ऐसे समझा दिया था कि जितने भी क्रेडिट आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे आईओसी और सैलरी को हमने क्रेडिट लिख रखा है, तो उन सारे क्रेडिट आइटम्स का टोटल कर लो, वो कितना आ रहा था, 42,000। और जिनको हमने डेबिट लिख रखा है, मतलब आईओडी को डेबिट लिख रखा है, डेबिट्स का भी टोटल कर लो, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 18,000। तो कौन सी टीम कमज़ोर है, डेबिट की टीम कमज़ोर है, और कितने रुपए से कमज़ोर है, 24,000 से कमज़ोर है। तो आपको लास्ट स्टेप में बस यही सिखाया था कि आपको 24,000 रुपये, मतलब 24,000 रुपये से डेबिट की टीम का साथ देना है। तो देखो लास्ट स्टेप यही तो है, 24,000 रुपये को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो अब आप देखो टेबल में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है, समझ गए, तीन तरह के एरर ओके हो गए। अब जल्दी से रिपीट करो, पहला कौन सा था, आईओसी देना भूल गए, दूसरा कौन सा था, आईओडी लेना भूल गए, ये हो गए सबसे सिंपल जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अब तीसरा कौन सा हो गया, हाँ जिसमें दोनों हो जाते, तो ये एग्जाम में आएगा। तो आप आईओसी देना भी भूल गए, आईओडी लेना भी भूल गए, तो ये जरूर याद रखना, ये हो गया एग्जाम वाला, ठीक है। तो इसके हमने एग्जांपल भी कर लिए थे, ये सब देखो वही खेल तमाशे। अच्छा, अब चौथी वैरायटी, चौथी वैरायटी में क्या होता है कि आप ज़्यादा दे देते हो, एक्सेस अप्रोप्रिएशन, कि मतलब आपने आईओसी ज़्यादा दे दिया है ना, तो अब इसमें क्या करोगे, लॉजिक लगाओ,
वापस ले लोगे, है ना। अगर आपने ज़्यादा दे दिया IOC तो आप क्या करोगे, वापस ले लोगे। तो इसके स्टेप ईजी हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 3% ज़्यादा दे दिया, तो इसीलिए देखो बिल्कुल सही कहा आपने, तो हम 3% IOC वापस ले लेंगे, तो डेबिट हो जाएगा। बस उसके बाद वही स्टेप सेम। अच्छा, पांचवा इसी का उल्टा, शॉर्ट अप्रोप्रिएशन। शॉर्ट अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपने कम दिया, तो आप मान लो IOC कम देते हो तो क्या करोगे, स्टेप क्रेडिट कर दो। बस, तो ये भी देखो सिंपल हो गया। तो 2% IOC कम दिया था तो वो क्रेडिट कर दिया। तो ये भी मतलब एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह IOD, IOD में भी ऐसा हो सकता है कि आपने IOD ज़्यादा ले लिया। तो अगर आपने IOD ज़्यादा ले लिया तो बताओ, खुद बताओ क्या करोगे, वापस दे दोगे, क्रेडिट कर दोगे, है ना। तो ये देखो IOD क्रेडिट कर दिया। और अगर IOD शॉर्ट लिया, कम IOD लिया उनसे, पार्टनर से, तो और ले लोगे, तो लेने का मतलब है डेबिट कर दोगे। तो कम ज़्यादा लेना देना जो है ये एक सिंपल फंडे, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, मतलब पूछेगा तो 3 नंबर तक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब दूसरी कैटेगरी ध्यान से देखो, अब एरर्स की दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है। तो देखो भाई, तुम जो पहले कह रहे थे वो इसमें लगेगा, जब में गलती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हो कभी भी, यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी गड़बड़ हुई है, यानी कि जैसे मान लो पार्टनर्स का एक्चुअल रेशियो था इक्वल, लेकिन आपने 3-1 में बांट दिया, ऐसी गलती, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत होता है ना, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत बांटा गया होता है, तब आप वो स्टेप्स करते हो जो आप कह रहे थे कि तब हम पहले रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेते हैं और उसके बाद स्टेप 2 स्टेप 3 तो सेम रहते हैं, जो भी अप्रोप्रिएशन हैं वो सब दे देंगे, और इसमें फिर लास्ट में हमें करेक्ट प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है और फिर करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, मतलब ये डेफिनेटली आते भी हैं। तो जैसे मैं इसका एक वो एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ जो थोड़ा सा रेलिवेंट है, जैसे हमने एक ये करा था, एग्जाम्पल 3 देख लो, चलो कॉम्प्रिहेंसिव है। अब देखो इसमें एक गलती हुई थी, जैसे एक क्वेश्चन ऐसी सुना रहा हूँ आपको, 3 पार्टनर से इनका रेशियो था इक्वल, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उनका प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, देखो डिवाइडेड इन द रेशियो 3-1, तो रेशियो में गलती हो गई। और हमने क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं करी, देखो ना तो IOC दिया, ठीक है, ना हमने उनको सैलरी दी, ना Z को कमीशन दिया, ना IOD लिया, सब कुछ हो गया, मतलब इससे कॉम्प्रिहेंसिव कुछ नहीं हो सकता गलतियों में, सब कुछ सारी गलतियाँ होंगी, प्रॉफिट भी गलत हो गया, IOC भी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दिया और IOD भी नहीं लिया। तो अब हम क्या स्टेप्स लगाएंगे, देखो स्टेप्स देख लेना फिर बता देना। हमें सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट है, मतलब गलत प्रॉफिट का मतलब है जो भी प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशियो में दिया, सबसे पहले हम उनसे वो वापस ले लेंगे, तो क्या कर लेंगे, डेबिट। ये स्टेप समझ आ गया। IOC देना भूल गए थे तो IOC क्या कर दिया, क्रेडिट। सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी क्या कर दी, क्रेडिट। कमीशन देना भूल गए थे तो क्या कर दिया, क्रेडिट। और IOD लेना भूल गए थे तो क्या कर दिया, डेबिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमें ना सही प्रॉफिट्स दोबारा से कैलकुलेट करने पड़ते हैं और उन सही प्रॉफिट्स को करेक्ट वाले रेशियो में, उनका जो करेक्ट रेशियो था इक्वल रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब बच्चा कहता है मैं करेक्ट प्रॉफिट निकालूंगा कैसे, तो कैसे निकालेंगे, नहीं लेकिन ये फिगर कैसे निकलेगी, 1,50,000। हाँ सारे आपको मतलब, हाँ अप्रोप्रिएशंस को हटाकर मतलब माइनस कर कराकर ऐसे रफ में, चाहे छोटा सा रफ वर्क कह लो इसको, निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमारे को प्रॉफिट्स गिवन जो थे 1,80,000, उसमें आप IOD ऐड कर दोगे और IOC माइनस कर दोगे, सैलरी माइनस कर दोगे, कमीशन माइनस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट आपके फिर फाइनली बचेंगे 1,50,000, वो सही प्रॉफिट्स मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर को दोगे, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मतलब सफिशिएंट है इस पूरी कहानी को कवर करने के लिए। अच्छा नहीं, फिर आते हैं आखिरी तरह के स्पेशल एरर्स। हालांकि ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड तो नहीं है तो चांस कम है, लेकिन किताबों में इसके क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं तो हम इसको छोड़ते नहीं, इसका भी समझ लेते हैं। अब स्पेशल एरर्स में क्या क्या होगा स्पेशल वाले, हाँ जिसमें जैसे मान लो आपको कई बार कह देगा आप रिजर्व देना भूल गए, ये तो आ ही सकता है एग्जाम में, या वो कह देगा कि आप कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल गए,
तो इस तरह के कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्वेश्चन गारंटी के साथ भी होता है, पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी, वो भी हो सकता है। तो मतलब वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी अप्रोच रहेगी, लेकिन मोटे मोटे उसके स्टेप्स यही सेम ही होते हैं जो ऊपर भी करें, कि रॉन्ग प्रॉफिट पहले क्या करेंगे, वापस लेंगे, फिर अप्रोप्रिएशंस दे देंगे, फिर करेक्ट प्रॉफिट निकाल के करेक्ट रेशियो में वापस देंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जो यहाँ पर नोट बनवाया है, कि जैसे मान लो कोई रिजर्व देना हम भूलें लेट से, या कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना हम भूलें लेट से, है ना, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या वो रिजर्व कभी भी एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, चलो एग्जांपल वन ही दिखा देता हूँ। पार्टनर्स का रेशियो था 3:1 और उन्होंने 60,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उन्होंने गलती ये करी कि वो रिजर्व में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करना भूल गए थे, राइट। तो देखो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, पहले हमें 60,000 वापस लेना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर वन क्या बन गया, 60,000 को डेबिट कर लिया, और फिर हमें रिजर्व 6,000 अलग करना पड़ेगा, तो 60 में से 6,000 रिजर्व अलग कर दोगे तो कितना बचा, 54। तो अब हम पार्टनर्स को सिर्फ 54,000 ही देंगे, है ना, लेकिन रिजर्व को टेबल में नहीं लिखते, रिजर्व को टेबल में नहीं लिखते, रिजर्व जर्नल एंट्री के अंदर आएगा। तो देखो जब हमने इस क्वेश्चन एग्जांपल को सॉल्व करा था, आप दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट में जाए रेफर कर लेना, तो ए भी डेबिट हो रहा था, मतलब एक्स भी डेबिट हो रहा था, वाई भी डेबिट हो रहा था, जेड भी डेबिट हो रहा था टू रिजर्व, क्लियर हो गई। इसी तरह मान लो एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें मैनेजर का कमीशन देना भूल गया था वो, तो इसमें भी स्टेप सेम रहेंगे, कि पहले रॉन्ग प्रॉफिट देखो वापस लेंगे, सैलरी देना भूल गए थे तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन देखो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या लिखवा रखा है, क्या हम मैनेजर कमीशन टेबल में लिखेंगे, नहीं लिखना, वो हमें टेबल में नहीं लिखना, बस कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, और फिर हमें सही प्रॉफिट निकाल के सही रेशियो में क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, और सही रेशियो सही प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ऐसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया था। तो ये एग्जांपल्स वो हैं जो आप एक बार खुद भी रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो करवाए थे, तो आप देखोगे कि बस एंट्री के अंदर मैनेजर कमीशन का काम आएगा, तो आपकी एंट्री बन रही थी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो हमें टेबल में मेंशन नहीं करना मैनेजर कमीशन, सिर्फ बाहर ही सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम अपने प्रॉफिट को सही निकाल सके, लेकिन टेबल में नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी देखो एक चार्ज था इंटरेस्ट ऑन वाई लोन 15,000, तो ये देखो टेबल में नहीं आएगा, एडजस्टमेंट टेबल में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को नहीं लिखते, लेकिन जब हम एंट्री बनाएंगे फाइनली या जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो तब तो माइनस करा सही प्रॉफिट निकालने के लिए, और जब हम एंट्री बनाएंगे तब वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में आएगा, तभी एंट्री मैच होगी, ठीक है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन थे, मतलब ये आप एग्जाम्पल से देख लेना, तो ये इनकी स्पेशलिटीज़ थी, ठीक है, बाकी ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल था। बाकी ये देखो पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन जो हमने करे थे, बुक के तो सब क्वेश्चन सिंपल है, मतलब इन्हीं के बाद फिर देखो हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी में IOD भूल गए, किसी में IUC भूल गए, किसी में ज़्यादा दे दिया, किसी में कम दे दिया, तो एक बार रिवाइज ऐसे कर लो ओरली, कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आए कभी भी, तो आप सबसे पहले टाइप सोच लेना, पहला टाइप कौन सा हो सकता है, या तो अप्रोप्रिएशन वाली गलतियाँ, दूसरा हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली गलतियाँ, तीसरा तो चलो स्पेशल हो गया, ठीक है, और अप्रोप्रिएशन में भी कौन से आने के चांस ज़्यादा हैं, जिसमें आप IOC देना भी भूल जाते हो और IOD लेना भी भूल जाते हो, जिसमें दोनों मल्टीपल गलतियाँ होती हैं, उनके चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट एडजस्टमेंट, जब भी रिवाइज करो ऐसे रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो और गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है चैप्टर के अंदर, गारंटी। ये इजी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको आपको रेफर बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो गारंटी में क्या क्या था, गारंटी का मतलब तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रॉमिस करा। इसमें तीन तरह की गारंटीज होती हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। एक होती है जो पार्टनर किसी फर्म को देता है, जैसे मैं पार्टनर हूँ अगर, तो मैं फर्म को बोलता हूँ कि मैं पैसे कमा के लाऊंगा, ठीक है, वो होती है पार्टनर टू गारंटी, पार्टनर टू फर्म। दूसरी होती है फर्म टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है कि मान लो एक फर्म में चार पार्टनर्स हैं
और ए पार्टनर को गारंटी दी जा रही है, तो इसका मतलब होता है बचे हुए बी सी और डी तीनों जने मिलकर ए को गारंटी देते हैं, तो वो होती है फर्म टू पार्टनर। और कभी कभी एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी देता है, उसको बोल देते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो तीन तरह की गारंटीज होती हैं। बाकी गारंटी को कैसे फुलफिल करना है वो क्वेश्चन में एक डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होता है, और अगर वो डेफिशिएंसी रेशियो नहीं गिवन तो फिर हम कौन सा रेशियो ले लेते हैं, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही। तो वो हम क्वेश्चन के अंदर देख भी लेंगे, है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी क्वेश्चन में दो गारंटीज एक साथ आ जाएं, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी भी है, फर्म टू पार्टनर वाली भी है, या लेट से पार्टनर टू पार्टनर वाली भी है, तो मैंने रैंकिंग लिखवा रखी है। सबसे पहले हम कौन सी गारंटी पूरी करेंगे, पार्टनर टू फर्म, उसके बाद कौन सी गारंटी फुलफिल करेंगे, फर्म टू पार्टनर, और फिर सबसे लास्ट में कौन सी गारंटी फुलफिल करते हैं, पार्टनर टू पार्टनर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में कवर हो जाता है। अच्छा, और फिर एक बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है, क्वेश्चन नंबर 86 है बुक का, मार्क कर लेना चाहें, कि एक फर्म को लॉस हो गया, है ना, फर्म को क्या हो गया, लॉस, लेकिन फिर भी हमने एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है। तो बस पॉइंट इसमें यही है कि अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है ना, तो लॉस के केस में भी वो हमें फिर पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर फर्म को चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए, हमें गारंटी पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन थे ईजी वाले, वो आप देख लोगे तो वो तो सिंपल थे। एक अच्छा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, एक अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन 81, चाहे आप ये मार्क कर लेना, स्टार क्वेश्चन है बुक का। अब इसमें क्या अच्छापन था, है ना, ये एग्जाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखो अच्छापन ये था कि एक्स और वाई ने, एक्स ने एक गारंटी दे रखी है जेड को, ठीक है, मैं स्टोरी वैसे ही सुना देता हूँ। एक्स ने किसको गारंटी दे रखी है, जेड को, और जेड को बोल रखा है 80,000 रुपये पर एनम की तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ। अब मज़ेदार बात इसमें ये थी कि जो क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हुआ था, जो पार्टनरशिप इसमें शुरू हुई थी, वो 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, और 31 मार्च को इनको 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया था, यानी कि इनकी पार्टनरशिप फर्म ने 6 महीने काम करा। तो इम्पॉर्टेंट और इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर फर्म ने 6 महीने ही काम करा है, तो फिर गारंटी के अमाउंट को भी आपको अकॉर्डिंगली 6 महीने का ही लेना पड़ेगा। तो जैसे एक्स ने जेड को कितने रुपए की गारंटी दी थी, 80,000, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को 80,000 की गारंटी मान के नहीं करेंगे, क्या मान के करेंगे, 40। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी थी। तो मतलब ये हमने जो क्वेश्चन करा था, इसकी स्पेशलिटी ये थी। तो जेड को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेड को 40,000 रुपये मिल रहे हैं, है ना, जेड की गारंटी कितनी ली गई थी, 40। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी थी, है ना। बाकी सिंपल है, मतलब वो आप क्वेश्चन में जब करोगे तो आपको गारंटी याद आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है, याद ही होगा। गारंटी क्या होता है, कुछ पैसे कम रह जाते हैं, जिसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, है ना, वो होता है। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट गारंटी का, है ना। तो जैसे इसमें 86 की बात हो रही थी, तो वो एक बार और दिखा देता हूँ कि देखो लॉस भी हो रहा है लेकिन हमें फिर भी गारंटी देनी पड़ रही है ना। तो देखो इसकी स्टोरी क्या थी। अब इसमें एक पार्टनर है, उसको 1,50,000 की गारंटी दी, राइट, लेकिन देखो लिखा है फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। अब 30,000 का लॉस अगर हम जब तीनों में बांटेंगे, तो जो अब्बास है उसको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस मिला था, 10,000 का। यहाँ पे डायग्राम पे समझा देता हूँ, ओन अंडरस्टैंडिंग जहाँ लिखा है, अब्बास को कितना लॉस मिल गया, 10,000 का, और हमने उसको गारंटी दे रखी है कि तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1,50,000 का। तो मतलब मैंने डायग्रामेटिकली ये समझाया था कि हमें अब्बास को 1,50,000 का प्रॉफिट देना था, ऊपर जाना था हमें, लेकिन हम नीचे चले गए, हम 10,000 का लॉस दे रहे हैं उसको। तो नाउ वी हैव टू गिव कितने रुपए, 1,60,000। तो ये क्वेश्चन में बस ये समझाया था कि अब हमें अब्बास को 1,60,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये मतलब था। तो बस, तो अब्बास जो है उसको 1,60,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एंट्री यहाँ पर लिखवाई थी, वो बस आप एंट्री देख लो, फर्स्ट वाली जो है, अश्मित डेबिट करमान डेबिट टू अब्बास। तो अब्बास जो है उसको टोटल कितने रुपए मिले हुए हैं, 1,60,000 रुपये। मतलब ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि लॉस के केस में भी क्या करना है, अपने को गारंटी देनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट कहानी, चलो। तो ये मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आपको जब भी रिवाइज करना हो तो मतलब आप इसी ऑर्डर में करो, तो उससे आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे।
चैप्टर का नाम है गुडविल, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इजी चैप्टर है बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसकी वेटेज जो है मैक्सिमम 4 नंबर तक की है, जिसमें 3+1 के हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का एक प्रैक्टिकल और 1 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। और सैम्पल पेपर के अंदर भी इसका एक क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। चलो तो गुडविल में देखो जी क्या क्या बातें थी, फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन अगर आए एग्ज़ाम में कि वॉट इज़ गुडविल, तो आप ये डेफिनेशन लिखना कि गुडविल इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, ठीक है। तो गुडविल का मतलब बेसिकली होता है कि पुराना कस्टमर पुरानी जगह पर ही आएगा बार बार, तो ये इसका मतलब गुडविल है, ठीक है। तो ये यही डेफिनेशन लिखना 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। बाकी अपने मन से मत लिखना कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं कि गुडविल इज़ रेपुटेशन या गुडविल इज़ ब्रांड वैल्यू, वो सब हम मन में सोच लेंगे लेकिन डेफिनेशन में मत लिखना, ठीक है। अच्छा, फिर हमसे पूछ सकता है कि गुडविल के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कम से कम 3 ज़रूर याद रखना गुडविल के करेक्टरिस्टिक। पहला तो ये कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, सिंपल। दूसरा ये कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो ये एक रियल एसेट होता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, यानी कि ये ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में बिजनेस की मदद करता है, क्योंकि जिस बिजनेस की ज़्यादा गुडविल होगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। और चौथा ये होता है कि गुडविल की वैल्यू एक सब्जेक्टिव मैटर होती है, मतलब कि वो वैल्यूअर टू वैल्यूअर चेंज हो सकती है, तो कोई वैल्यूअर कुछ गुडविल निकाल सकता है, कोई वैल्यूअर कुछ और गुडविल निकाल सकता है, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब गुडविल का नेचर क्या है, वो अगर बाय चांस ये 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा कि गुडविल का नेचर क्या है, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो कई बार प्रीवियस ईयर में आया है कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसमें आपको 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ये अच्छे से ये लर्न करके जाना कि गुडविल की वैल्यू कब कब निकाली जाती है। तो 3 तो आपके चैप्टर्स हैं बेसिकली। पहला हो गया जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं, दूसरा हो गया जब नया पार्टनर एडमिट होता है, तीसरा हो गया कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको DEF पता होने चाहिए कि गुडविल की वैल्यू कब कब निकाली जाएगी। तो बताओ कब कब निकाली जाएगी, जब पार्टनरशिप फर्म बेच देंगे, ये भी याद रखना है, या फिर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं, अमैलगमेट हो जाएंगी, या फिर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाएगी कंपनी में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर इसी तरह एक और थ्योरी क्वेश्चन होता है इसमें, जो पूछ लेता है कि गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको कोई भी याद होने चाहिए और हर फैक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो लिखवा सकते हैं आपसे कि लिखो। तो जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड होता है, कैपेबल होता है या कॉम्पिटेंट होता है, तो उस गुडविल उस बिज़नेस की गुडविल भी फिर अच्छी होती है। फेवरेबल लोकेशन, अगर किसी बिज़नेस के पास अच्छी लोकेशन है तो उसकी गुडविल भी फिर अच्छी होती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार हम कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फेवर में हम कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, तो ऐसे में हम फिर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाते हैं और फिर हमारे फर्म की गुडविल ऑब्वियसली थोड़ा बेहतर हो जाती है। इसी तरह एक्सेस टू सप्लाइज़, एक्सेस टू सप्लाइज़ का मतलब था कि अगर आपको रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं तो ऐसे में आपके फर्म के गुडविल अच्छे होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर किसी दूसरी फर्म को रॉ मटेरियल मिलने में मुश्किल होता है तो फिर उसको थोड़ा मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, उसका प्रॉफिट भी थोड़ा कम रहेगा, तो ऐसे में उसकी गुडविल भी थोड़ा कम रह सकती है। इसी तरह आफ्टर सेल सर्विस, जो कंपनियाँ अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देती हैं, है ना, तो उन कंपनियों की गुडविल फिर अच्छी होती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो बिज़नेस अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी गुडविल भी फिर थोड़ा बेहतर होती है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गुडविल 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी। एक होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है कि जब हम कोई बिज़नेस एक्वायर करते हैं,
जैसे आपने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ लिया था, है ना, वेंडर से हम बिज़नेस एक्वायर करते हैं। तो जब हम किसी भी बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो हम कभी कभी गुडविल खरीद लेते हैं, यानी कि हम उसके पैसे देते हैं, तो उसको परचेज्ड गुडविल बोला जाता है। और परचेज्ड गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, AS 26 कहता है ये बात ये ध्यान रखनी है। और इसका एक फॉर्मूला है, ये वन नंबर के MCQ में या वन नंबर के हॉट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, तो ये एक बार अपने मुंह से बोल दो, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, तो ये मतलब याद रखना है। बाकी दूसरी तरह की गुडविल जो होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो AS 26 के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना बहुत ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम होता है, तो हम उस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो हमारी पुरानी मेहनत की वजह से हमारी मतलब जो ब्रांड वैल्यू बन गई उसको हम कह देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना, तो इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब परचेज्ड गुडविल जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो ये हम शेयर चैप्टर में भी वैसे पढ़ते हैं, लेकिन आप दोबारा से यहाँ पे भी देख सकते हो। तो जब हम किसी से बिजनेस खरीदते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट्स डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर। टू वेंडर में हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो आपका डेबिट में बैलेंस जो बचता है तो आपको याद ही होगा उसको क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। तो बेसिकली ये गुडविल इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स करे थे, जैसे ये एग्जांपल आपको ऐसे ही दिखाने के लिए बता देता हूँ। तो इसमें हमने एक बिज़नेस एक्वायर करा था, और जिस व्यक्ति से बिज़नेस एक्वायर करा था उस व्यक्ति के नेट एसेट्स थे 30 लाख के। कितने के थे? 30 लाख के। लेकिन हमने जो परचेज कंसिडरेशन पे करी, मतलब हमने जो पैसे दिए वो दिए थे 50 लाख, 50 लाख। तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया था कि परचेज कंसिडरेशन है 50 लाख और नेट एसेट्स हैं 30 लाख, तो इसका मतलब हमारी गुडविल कितनी हो गई? 20 लाख। तो ये वन नंबर में मतलब एक MCQ में पूछ सकता है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा, बाकी जर्नल एंट्री वो सेम ही है जो हमने पढ़ रखी है, कि एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, वेंडर को क्रेडिट कर देंगे, और गुडविल हमारी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर की तौर पे आ जाएगी। तो ये परचेज्ड गुडविल जो होती है इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। चलो, अब चैप्टर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू निकलवाई जा सकती है, तो गुडविल की वैल्यू को निकालने के कितने तरीके हैं जी? हाँ, मतलब तीन तरीके हैं वैसे तो, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। तो पहले सिंपल एवरेज रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है इसमें एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, तो ये तो सबको याद ही है। बाकी एवरेज प्रॉफिट जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या मतलब है उसका? उसका एग्जैक्ट मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, तो ये याद रखना है शब्द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और वन नंबर में आपसे नंबर ऑफ ईयर परचेज की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो ये मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगी। तो इसका मीनिंग ये था कि आने वाले कितने सालों तक, कितने वर्षों तक हम सेम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं अपने पुराने पास्ट एफर्ट्स की वजह से, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। तो ये मतलब गिवन होता है वैसे तो क्वेश्चन में, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखो लिखी है कि द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं वो आपको अब तो खैर रटने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो समय समझने का तो गया कि एक एक चीज़ समझाई जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों वाले समय तो अब चला गया है, तो अब तो आपको रटना है कि क्या हो रहा है, क्या का मतलब है कि क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें लेस करनी है, तो वो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो हमें अगर कोई प्रॉफिट दे रखा है किसी भी साल का, ठीक है, तो उस मिलावटी प्रॉफिट में हमें देखो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो बता देता हूँ। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, उसको ऐड बैक कर देना है। अगर कोई लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको ऐड बैक कर देना है।
अगर कोई ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, उसको ऐड बैक करना है। अगर कोई अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको ऐड कर देना है। तो वहाँ पे लिस्ट देखते रहना, लिखी हुई है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, उन्हें ऐड करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है ना। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो भविष्य में नहीं होंगे। अब मान लो मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मान लो मेरे ऑफिस के बाहर एक भिखारी आया, मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। अब ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मुझे पता है कि मैं भविष्य में नहीं करूँगा, तो इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये होते हैं जी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसके बाद जहाँ हाथ का निशान बनाए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो ज़रूर रट लेना कि आपको क्या एडबैक करना है। बताओ क्या एडबैक करना है। अगर किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो तो वो आपको एडबैक करना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा होता है। जैसे मान लो आपने कोई मशीन परचेज करी या कार परचेज करी या मतलब फर्नीचर परचेज करा, लेकिन आप उसको गलती से एक एक्सपेंस समझ लेते हो, आप उसको रेवेन्यू समझ लेते हो, रेवेन्यू की तरह मतलब एक्सपेंस समझ लेते हो, तो फिर आपको वो वैल्यू एडबैक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है सबको, ओके। और इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या करना पड़ेगा, इसके डेप्रिसिएशन को देखो सबसे लास्ट में लिख रखा है, उसके डेप्रिसिएशन को फिर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा सभी वर्षों से, ये बात भी ध्यान रखनी। तो इसके सवाल भी आपको वैसे करवा रखें और बाकी तो याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा डिडक्ट क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको लेस करनी है। कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसको लेस करना है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसको लेस करना है, या कोई नॉन रिकरिंग इनकम हो गई। अब नॉन रिकरिंग इनकम समझ गए क्या हो गई, मतलब ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी, ठीक है, उसको भी डिडक्ट करना है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, देखो स्टार बना हुआ है, अगर आपको कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है ना, इनकम मिलती है, तो ये भी एक मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम गुडविल वैल्यूएशन में नहीं कंसिडर करते, तो इसको हम बेकार की इनकम मानते हैं, जैसे लॉटरी की इनकम की तरह समझ लो, तो इसको भी कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा मैनेजमेंट कॉस्ट, ये भी जैसे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इसको हम डिडक्ट करते हैं क्योंकि ये भविष्य में होने वाला खर्चा है। अब जैसे मान लो हम आज गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमें पता है कि आने वाले भविष्य में हमें मैनेजमेंट को संभालने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो जिसको मैनेजमेंट कॉस्ट बोलते हैं, या पार्टनर रेम्यूनरेशन मतलब इसका एग्जाम्पल होता है, तो वो फिर आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट दे रखा है फ्यूचर एक्सपेंसेस, मतलब वही, ये दोनों सेम ही पॉइंट है लेकिन नाम अलग अलग है। फ्यूचर एक्सपेंस मतलब है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में एक्सपेंस देना है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है भविष्य में, तो वो भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है तो वो दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो अगर इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो नहीं ऐड नहीं करना, तो कुछ नहीं करना। अगर इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, समझ गए, लेकिन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो डिडक्ट करना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की जो इनकम होती है वो तो हमारे लिए एक नॉर्मल इनकम है, मतलब उसको तो हम मतलब कंसिडर कर लेंगे, तो उसको हमें कुछ करना नहीं है, मतलब वो तो ठीक है। तो बस जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स वही आपको डील करने हैं। और लास्ट जो है वो याद रखना, देखो उस पे हाथ का निशान बना हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हो तो फिर उसके इफेक्ट को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, उल्टा, कि जैसे आपने कोई एक्सपेंस करा, आपने स्टेशनरी खरीदी, लेकिन आप उसको समझ लेते हो कि ये एसेट है, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो ये आपको फिर डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसके डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, वो देखो ऊपर जा रहा है, ऐड बैक करना पड़ेगा सभी वर्षों में, तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा सभी के वर्षों में, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्सेप्ट है
तो इसको कृपया अच्छे से 2-4-5 बार रट रट के, अच्छे से हवा में देख देख के, हाथ रख रख के, ऊपर देख देख के, मतलब रट के जाना, कोई भी पॉइंट इसमें से मिस ना हो जाए। क्योंकि जब ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सही वाले आएंगे तो आपको इन्हीं का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब इसमें ध्यान रखना है। चलो बाकी फिर इसके आपको क्वेश्चंस करवाए थे छोटे मोटे, वो सब बहुत इजी हैं। बाकी जैसे ये एक क्वेश्चन 3 आप ऐसे ही मार्क कर लो, बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस मैं मार्क कर लो बुक में रिवीजन के लिए। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है कि आपको कहता है कि गुडविल हम वैल्यू करेंगे, लेकिन आपको कहता है कि दो ऑप्शंस देता है, प्रीवियस 3 या प्रीवियस 4 ईयर्स, विच एवर इज़ हायर। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 दोनों ही साल के एवरेज निकालने पड़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रीवियस 3 ईयर का एवरेज कितना आ रहा है, 2,19,000, और प्रीवियस 4 का एवरेज कितना आ रहा है, 227,550। तो जो हायर वाला होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर जब फाइनली गुडविल निकालेंगे हम, तो फिर हायर वाले एवरेज को लेकर फिर आंसर निकालेंगे। तो ये मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है, ठीक है जी। बाकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स में तो ये सब बातें होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, समझाया भी था, जो अपने माथे पर आप टैटू बनवा लो। कुछ बच्चे पूरी 12वीं कक्षा ख़त्म हो जाती तब भी यही डाउट पूछते रहते हैं कि भाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर हम अपने ही बिजनेस से संबंधित किसी बिजनेस में निवेश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दोबारा से देख लो, चाहे अगर मैं मारुति कंपनी हूँ, ठीक है, मैं मारुति कंपनी हूँ, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, मैं मारुति कंपनी हूँ और मैंने अपना पैसा होंडा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा जो बिज़नेस है होंडा का भी वही बिज़नेस है, तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहूँगा। लेकिन आप उधर देखो, अब उस तरफ दाहिने तरफ, अगर मैं अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ जो मेरा मेन काम नहीं है, लेट से मैं मारुति कंपनी हूँ और मैंने अपने 10,00,000 रुपये बैंक में FD में इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसका मतलब हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, वो तो बस मैंने FD कर दी बैंक में, तो ये मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना, तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो भाई क्लियर हो गया सबको, अब याद रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो CBSE ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मान लेना। तो ये आप एग्जाम में अपना नोट भी दे देना, बाई चांस खाली एग्जाम में लिखा है ना इन्वेस्टमेंट, तो आप ये बोलना कि हम इस इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या मानना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बाकी फिर आपको छोटे छोटे एग्जांपल कराए थे, वो तो चलो सिंपल है। एबनॉर्मल गेन देखो, डिडक्ट करना है, एबनॉर्मल लॉस देखो, ऐड बैक करना है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है तो उसका यहाँ पर दोबारा से इफेक्ट देख लो। तो हमें उस गलती को देखो यहाँ पर फोकस करना, ऐड बैक करना होता है। तो अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, और उसके डेप्रिसिएशन को देखो क्या करते हैं, नीचे डिडक्ट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट याद रखना आप, ठीक है जी। और इसी तरह अगर इसका उल्टा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लोगे तो ट्रीटमेंट भी उल्टा हो जाएगा, है ना। मतलब कि हम उसको डिडक्ट कर देंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। चलो तो ये सब मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए थे इस तरह के जी। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें एबनॉर्मल गेन दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। 2023 वाला पढ़ना, 2023 में लिखा हुआ है, प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो मतलब ये एक तरह से ना फ्यूचर एक्सपेंस वाली पॉइंट की तरह बन गया कि अब हम अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा रहे हैं, तो जब हम अब अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाएंगे तो अब हमें भविष्य में प्रीमियम पे करना पड़ेगा 12,500 का, है ना।
हमें इस एक्सपेंस को लेस करना पड़ेगा, मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस 12,500 को देखो 2023 में क्या कर रखा है, एज अ डिडक्शन शो कर रखा है ना, और फिर एवरेज निकाल रखा है। तो आपके एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ गलती दे रखी होगी और आपको उन गलतियों को मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो समझ गए कि कैसा क्वेश्चन आने वाला आएगा। तो चलो, तो पहले यहाँ तक की स्टोरी याद आ गई, बता दो एक बार थोड़ा सा। ये देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स में गलतियाँ हैं, ठीक है ना, ये भी वही क्वेश्चन है, देखो प्रॉफिट्स में गलतियाँ हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉफिट्स में कुछ गलतियाँ होंगी, फिर आपको सही प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और फिर आपका गुडविल का आंसर आएगा सही। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 आप मार्क कर लो ऐसी बुक, मतलब लिख लो ऐसे कि ये भी रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिवाइज करो तो क्वेश्चन 8 कर लेना। इसमें बेसिकली वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, इसमें वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है जिसमें देखो नीचे की लाइन पढ़ना, हमने एक कार खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, है ना, लेकिन लिखा है वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन हमें हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस पर ये भी दे रखा था कि डेप्रिसिएशन है 25% पर एनम का। तो देखो मैं इसी का ट्रीटमेंट दिखाता हूँ आपको कि भाई जो हमने देखो कार खरीदी थी 1,00,000 की, तो वो देखो ऐड बैक कर दी और उसके डेप्रिसिएशन को देखो नीचे हमने डिडक्ट कर दिया। तो ये बस आपको ट्रीटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना एक बार अपने आप, तो आपको भी समझ आ जाएगा। चलो ऐसी अब है एक क्वेश्चन 11, ये आप मार्क कर सकते हो। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया है बस। तो वेटेड एवरेज वैसे एग्जाम के लिए कम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो बताओ कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको जो वेट्स दे रखे होंगे उन वेट्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। तो उन वेट्स को आपको क्या करना है, प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई। और बाकी फिर फॉर्मूला याद रखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो जैसे इस क्वेश्चन में टोटल प्रोडक्ट है 3,48,000 और टोटल वेट्स है 15, तो फिर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी गुडविल का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। चलो ठीक है, तो वेटेड एवरेज तो एक फॉर्मेलिटी है। बाकी ये भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, वो तो आपको एडलेस याद रखना है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लो भाइयों बहनों, जो सबको अच्छे से याद रखनी है, किसी भी वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ये ध्यान रखना वो अगले साल का क्या भी होगा, ओपनिंग स्टॉक भी होगा अपने आप, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं। तो किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या माना जाएगा अपने आप, ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया। चलो फिर चलते हैं दूसरे मेथड पर, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि पूरी इंडस्ट्री में सारे लोग 10% प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आपकी कंपनी है एफ, एफ वाली कंपनी देखो 10% से भी ज़्यादा कमा रही है, नीला हिस्सा जो है। तो जो वो नीला एक्स्ट्रा हिस्सा है, उस नीले एक्स्ट्रा हिस्सा को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है। अब इस मेथड में स्टेप्स क्या थे, आइए जी रिवाइज करते हैं बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, बोलो ना अपने मुंह से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था प्लस क्लोजिंग में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इतना ओके हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे,
उसका फॉर्मूला वो रटा हुआ होना चाहिए। तो देखो जी, दो फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के। पहला फॉर्मूला तो है कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर होगी तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है, इससे भी आंसर सेम आता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल एग्जिस्टिंग, अगर होगी तो। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसमें क्रिटिकलिटी क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना। हम जब गुडविल निकालते हैं तो जो साल का पहला दिन है 1 अप्रैल, हो सकता है उस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड हो 10,000 रुपये और साल के एंड में 31 मार्च को कैपिटल एम्प्लॉयड हो 12,000 रुपये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अलग अलग हो सकती है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर फॉर्मूले में गुडविल निकालने के लिए स्टेप वन में कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो कितना आएगा? 11,000। ठीक है, तो समझ गए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, अब होता क्या है, जनरली हमारे सवालों में ओपनिंग और क्लोजिंग दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड वो नहीं देता। कहता भाई बच्चा छोटा भोला मासूम बच्चा है, क्या उसको दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड देने। तो वो आपसे बस एक ही डेट का देता है, कहता है बस एक ही है। तो अगर वो खुद ही एक ही डेट का दे रहा है, मान लो क्लोजिंग ही दे रहा है, तो फिर हम क्या करें? फिर इसी को एवरेज मान लेते हैं हम, क्योंकि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम क्या मानते हैं कि चलो फिर तो यही एवरेज भी होगा, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में फॉर्मूले में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये ध्यान रखना। और एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, फिर हम पहुंचते हैं स्टेप 2 पर, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो आपको दिया होता है तो इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तो दिया होगा। फिर स्टेप 3 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पुराने मेथड में ऑलरेडी कवर कर लिया, FMP। फिर स्टेप 4 में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर लास्ट फाइनली हम निकालते हैं गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अगर बाय चांस सुपर प्रॉफिट कभी नेगेटिव आ जाए, तो वो नीचे सितारे में दे रखा है, तो फिर हम क्या मानेंगे? कोई गुडविल नहीं है। तो अगर किसी फर्म का सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिर उसकी गुडविल नहीं है। ठीक है, बस। तो ये मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में तो यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसके क्वेश्चन सारे सिंपल सिंपल थे जो हमने कर लिए थे। तो इसमें अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए लिखना हो, तो आप 16th लिख लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें देखो सारे स्टेप्स लगे हुए हैं, मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, और फिर फाइनली गुडविल निकाल ली, है ना। तो वो मतलब एक क्वेश्चन था। बाकी इसके सब क्वेश्चंस नॉर्मल है, मतलब आपको ज़्यादा इसमें अपने आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी एक 19th, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लेना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना था एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके क्या फाइंड आउट करना था? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन निकालना था एवरेज प्रॉफिट। चलो अब चलते हैं आखिरी मेथड कौन सा होता है जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे बड़ी पहचान याद रखनी है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता, कोई उसका यूज नहीं होता। ठीक है, और इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें तो दो ही स्टेप्स हैं मेनली। पहला स्टेप तो है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो वो तो आपने मेथड 1 में जो पढ़ा उसी तरह से निकालना है।
अब स्टेप टू ज़रूर याद रखना, और इसको बोलते क्या, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हम इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, है ना, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू NRR, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम स्टेप थ्री में निकालते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला सेम ही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पढ़ा था। बस फिर आपकी गुडविल सीधी अगले स्टेप में आ जाएगी, स्टेप टू माइनस स्टेप वन। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा मेथड है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, एक ही, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, नेट एसेट्स निकालना है और आपका गुडविल आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि सुपर प्रॉफिट जो निकाला उसको इनटू 100 अपॉन NRR। तो इसमें तो सीधा एक ही स्टेप में गुडविल आ जाती है। ठीक है, बाकी आपको इसके मीनिंग मैंने बताए थे, जो मुझे पता है आपको याद नहीं होंगे, बरसों पुरानी बातें हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी पूंजी होनी कितनी चाहिए, है ना, और नेट एसेट्स का मतलब होता है कि आपकी पूंजी है कितनी। तो ये इस तरह से स्टोरी समझाई थी, तो अब तो खैर बातें बेकार हैं आपके लिए, अब तो हमें फॉर्मूले रटने पर फोकस करना है, लेकिन वैसे फिर भी बता देता हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपको कितने रुपए बिजनेस में लगाने चाहिए, वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लेकिन आपने एक्चुअल में कितने लगा रखे हैं बिजनेस में, पूंजी कितनी लगी हुई है आपकी, उसे कहते हैं नेट एसेट्स। तो इसका मतलब अगर किसी भी बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए लगाने चाहिए थे लेकिन आप खाली 8 लाख रुपए लगाकर ही काम कर रहे हो, बढ़िया, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए जो है वो क्या मानी जाती है, गुडविल मानी जाती है। ठीक है ना, तो खैर अब तो फॉर्मूले पे फोकस करो, ये सब बातें तो अगले बैच के नए बच्चे सीखेंगे। अच्छा जी, बाकी ये स्टार पॉइंट पढ़ लो कि भाई अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में नेट एसेट्स भी दे रखा हो, लेट से 4 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी हो 4.80, लेट से, वैसे तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है कि भाई क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी मान लो, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे फॉर्मूले में नेट एसेट्स, क्योंकि हमारी यहाँ पर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है यूज़ करने के लिए, देखो नेट एसेट्स। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है फिर, नेट एसेट्स। फॉर्मूला हालांकि नेट एसेट्स का सेम है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ही, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दे दे, मान लो इस तरह जो मैंने बनाया, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, नेट एसेट्स, ये ध्यान रखना है ना, तो ये भी मतलब हो सकता है। तो बाकी इसका एक क्वेश्चन मार्क कर लो रिवीजन के लिए, ये वाला कर सकते हो आप 29। तो इसमें आपके दोनों मेथड्स कवर हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे कर भी रखा है। दोनों मेथड से गुडविल निकल जाएगी, ये है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और वो तो खैर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड था, है ना, तो इससे आपका कैपिटलाइजेशन कवर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हर मेथड लगाना है, लेकिन वो आम तौर पे एग्ज़ाम पे नहीं आता, तो वो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम रेलिवेंट है। ठीक है ना, तो मेनली आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस कोई भी दो मेथड से निकालने को आ सकता है। बट समझ आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, तो क्लियर हो गई सारी कहानी, चलो बहुत बढ़िया। तो चैप्टर 3 का देखो नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका समझ लो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमारा बेस बनता है रिलेटिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग तो आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट रेशियो बदल लेंगे। तो जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, मतलब उसको क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब जब रेशियो बदलेगा तो एक पार्टनर क्या करेगा, मतलब हो सकता है कोई सैक्रिफाइस करे और हो सकता है कोई दूसरा गेन करे। तो जो सैक्रिफाइस करे उसको सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कहते हैं, जो गेन करे उसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं।
तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या क्या चीज़ें सीखने देखने करने को मिलती हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपको इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट, आपको इसमें रिजर्व्स के ट्रीटमेंट, आपको इसमें फिक्टिशियस एसेट के ट्रीटमेंट्स, रिवैल्यूएशन, ये सब चीज़ों के ट्रीटमेंट्स सीखने को मिलते हैं और इसी पर क्वेश्चन भी आता है। चलो तो फटाफट रिवाइज करवाता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो तो सबसे पहला तो देखो जी, गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग, ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट देखना। आप एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करना, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखना और क्या है फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप एक स्टैंडर्ड यही फॉलो करना, जिसका आंसर नेगेटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, गेन, और जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। इसमें ये जो आंसर निकलते हैं ना, मेनली जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ये आंसर निकले, इन्हें गेनिंग या सेक्रीफाइजिंग शेयर बोला जाता है। तो ये हमारे काम के होते हैं, आगे जाके बताऊंगा कैसे। अच्छा जी, अब आपको बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स करवाए थे, वो अब आपके लिए बहुत ही सिंपल हैं। तो अब तो खैर ये सब बातें आपके लिए छोटी हो गई कि ओल्ड माइनस न्यू करके हमें पता लग जाता है। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात देख लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा लिखा होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा है कि W acquires 1/5 from Y, from word होता है ना। तो आपको ये बताया था कि जब from लिखा है तो इसका मतलब है कि हम सिंपली माइनस कर देंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन में देखो, Y में से 1/5 हमने माइनस कर रखा है और W को दे रखा है, प्लस कर रखा है ना। तो from का मतलब है माइनस करना है। अच्छा, कभी कभी from की जगह हमें दे देता है ऑफ, जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में करवाया था। जैसे इसमें लिखा था कि x acquires 1/5 of z, तो ऑफ का मतलब होता है जब इस तरह की लैंग्वेज आ गई तो आपको फिर अब z के शेयर का 1/5 निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आपको z के शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सबको भाइयों बहनों याद है कहानी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ वर्किंग में देखोगे अगर, तो z के शेयर्स का पहले हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर माइनस कर रहा है। तो क्लियर हो गया फ्रॉम और ऑफ। तो ये छोटा सा बात मतलब ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन जैसे मर्जी देगा तो हम कर लेंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर का ट्रीटमेंट है गुडविल का, याद रखना। आपको गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, तो उस गुडविल को कहेंगे एग्जिस्टिंग। उसको क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग, ठीक है। और अगर आपको गुडविल एक जानकारी की तरह दे रखी है, ऐसे लिख रखा है गुडविल इज वैल्यूड एट ये, या मतलब गुडविल आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बस आपको दोनों की जर्नल एंट्रियां दोनों की पता होनी चाहिए, फिर आप मुझे बता देना कि भाई आपको याद आ गया कि नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर होती है तो आपको उसे राइट ऑफ करना है सारे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में, ठीक है भाइयों बहनों, तो सबको क्लियर। और उसकी जर्नल एंट्री है पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, तो या करंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, ये हो गए राइट ऑफ। लेकिन अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है उस तरफ, दाहिनी तरफ, तो फिर आपको एक एंट्री करनी पड़ती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। और इनके अमाउंट्स को निकालने के लिए मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना। जो भी गुडविल दे रखी होगी हमें फर्म की, उस गुडविल को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग शेयर्स से। और गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग शेयर्स हमने कहाँ निकाले थे, यहाँ निकाले थे, जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो आंसर आते हैं ये हरे रंग वाले, इन्हें गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग शेयर्स बोलते हैं। तो आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ जी, अब सबको याद आ गया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही, यहाँ तक सब ओके है। चलो तो ये तो हो गया गुडविल। अब आते हैं फ्री रिजर्व्स यानी कि चॉकलेट्स पर। फ्री रिजर्व्स के एग्जांपल्स आप याद रखना, जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, ये सब। अब जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व्स के लिए हमें क्या करना है, तो देखो जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कहता है कि हमें फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर तो आपकी एंट्री होगी ये
फ्री रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, यानी कि हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है वो राइट साइड कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी कि वो बैलेंस शीट में चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा फ्री रिजर्व, तो फिर आपको क्या एंट्री करनी है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन में भी दिखवा दूंगा आपको। तो क्लियर हो गया फ्री रिजर्व। फिर इसके उल्टे होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कूड़े फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट उल्टा करना है, वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको इन्हें राइट ऑफ करना है, या क्वेश्चन अगर कह रहा है बैलेंस शीट से हटाओ तो भी आपको राइट ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो? पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अगर लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब या दे वांट टू कंटिन्यू इट एज इट इज, तो फिर क्या एंट्री होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब देखो अपनी उंगली पे दोबारा से काउंट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट किसका? गुडविल का, वो याद रखना है आपको, दो केसेस। दूसरा ट्रीटमेंट किसका? फ्री रिजर्व का, उसमें दो केसेस। और तीसरा ट्रीटमेंट किसका? फिक्टिशियस एसेट का, उसमें भी दो ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी तीन आइटम्स हुए क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें तीनों आइटम एक साथ होते हैं। अच्छा, फिर हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करे थे ये सब रेशो निकालने के, तो ये तो बहुत अब बेसिक है, तो आप इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपने रिवीजन पे। फिफ्थ क्वेश्चन मार्क कर लो बस, अगर रिवीजन करना होगा तो फिफ्थ कर लेना, ये थोड़ा सा अच्छा था एग्ज़ाम के नज़रिए से। बाकी एट्थ क्वेश्चन मार्क कर लो, इसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मतलब रिवाइज हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, इसमें दोनों गुडविल्स हैं। देखो अगर आप ध्यान से तो क्वेश्चन देखोगे, 75,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है और 450,000 नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो इसमें गुडविल के दोनों मतलब पहलू कवर हो जाते हैं। तो अगर आप आंसर देखोगे तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हमने क्या कर रखा है? राइट ऑफ। और जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है दूसरी वाली, उसके लिए देखो नीचे देखो, पहले हम ये निकालते हैं कि किसने कितना गेन या सैक्रिफाइस करा, और फिर एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो था आर उसको क्रेडिट करते हैं। और अमाउंट्स भी देख लो कैसे निकाल रखा है, जो हमें गुडविल दे रखी थी उसको मल्टीप्लाई कर रखा है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स के साथ। तो अब देख लो भाई, सबको बिल्कुल क्लियर हो गया गुडविल? अब कभी भी इस चैप्टर में गुडविल आएगा तो अब गलत तो नहीं होगी गुडविल। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट, इसमें आपका गुडविल का नाटक कवर हो जाएगा। बाकी एक ये नाइन्थ क्वेश्चन भी मार्क कर लो, ये अपनी लैंग्वेज की वजह से इम्पॉर्टेंट था, और इसमें एक प्रॉफिट का पॉइंट भी इन्होंने ऐड कर रखा था जो चैप्टर वन का है, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे क्लास में करवा रखा है तो आप उससे रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रीफ में कर देता हूँ कि क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें इन्होंने ना प्रॉफिट भी गलत बांट रखा है, तो आपको याद है ना पुराना चैप्टर फंडामेंटल्स, उसमें कई बार होता था कि गलत रेशियो में बांट देते थे, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा चैप्टर वन का पोर्शन भी लगा रखा है। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थी वो बता देता हूँ, आप फोर्थ लाइन में पढ़ना दे रखा है, फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, के बाद क्या लिखा है? एग्रीगेट। तो ये एग्जाम में ट्रिक करते हैं कभी कभी, वो एवरेज वर्ड लिखने की बजाय एग्रीगेट वर्ड लिख देते हैं। तो इस केस में फिर आपको दो साल के प्रॉफिट्स को एवरेज नहीं करना, आपको दो साल के प्रॉफिट्स को सिर्फ क्या करना है? ऐड करना है। तो क्लियर हो गया जी, एग्रीगेट वर्ड का मतलब है कि आपको प्रॉफिट्स क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्वेश्चन की चाल थी। बाकी ट्रीटमेंट तो वही रहेंगे जो मतलब आपको बता दिए थे। ठीक है जी, बाकी ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, इसको मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्यों सर, इसमें तो हमें सब कुछ दे ही रखा है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखो इस क्वेश्चन में ये खासियत थी, बताओ किसी को याद है क्या खासियत थी? नहीं सर हमें तो नहीं याद। इसमें उसने ना गुडविल की एंट्री दे रखी है और कह रहा है रेशो निकालो, नया रेशो निकालो, ये था क्वेश्चन बेसिकली।
तो अब गुडविल की एंट्री देखकर हम रेशो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको समझाया था इसमें। गुडविल की एंट्री देखकर हमें ये पता लगता है कि जो नमन और रमन पार्टनर्स हैं जिनको डेबिट किया गया है, इसका मतलब वो कौन से पार्टनर्स हैं? गेनिंग। तो इसका मतलब उनका वो 3/25 और 2/25 जो दे रखा है वो गेनिंग शेयर दे रखा है। ये क्वेश्चन का मतलब आपको इंटरप्रेट करना था बस। और अमन देखो क्रेडिट हो रखा है तो इसका मतलब अमन ने क्या करा है? सैक्रिफाइस। तो क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अपने रिवीजन में इंक्लूड करना। और फिर हमने इसमें नया रेशो निकाला था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब दिमाग की डेवलपमेंट के लिए। बाकी ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे, जनरल रिजर्व और ये वो, ये भी सब बेसिक क्वेश्चन थे, वो अभी बाद के क्वेश्चन में भी हो जाएगा। बाकी एक 23 मार्क कर लो एग्ज़ाम के लिए, ये भी 3 नंबर में इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी रेशो बदल गया है और इसमें आपको 3 आइटम्स दे रखे हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें आपको ये सिखाया था कि कई बार हमारे पास फ्री रिजर्व्स भी होते हैं और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी होते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर हमें एक ही एंट्री पास करनी है मान लो, तो हम फिर अपना एक नेट अमाउंट निकालते हैं। तो हमने एक नेट अमाउंट निकालने के लिए आपको समझाया था कि अगर फ्री रिजर्व्स का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर हम गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग वाली एंट्री करेंगे, और अगर मान लो फिक्टिशियस एसेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता, कूड़े का अमाउंट ज़्यादा होता, तो फिर हम सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग वाली एंट्री करेंगे। तो मतलब ये भी आप क्वेश्चन अपने रिवीजन लिस्ट में रखना ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। चलो उसके बाद रीवैल्यूएशन, ये एक ऐसी मतलब आफत है बच्चों के गले की फांस जो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि या तो ये इस चैप्टर में है, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में है, नहीं तो उसके भी अगले चैप्टर में। तो आपको हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मतलब बनाना ही है ही है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या होता है। अब तो खैर आपको याद होगा डेबिट में क्या लिखना है, मतलब डेबिट में टेक्निकली जो भी आपका नुकसान हो रहा है वो लिखना है। अब नुकसान कब कब हो सकता है? आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या कोई नई लायबिलिटी आ गई, या कुछ एक्सपेंसेस हो गए। और क्रेडिट में लिखना है आपका जो भी फ़ायदा हो गया, फ़ायदा कब होगा, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की कम हो गई या कोई नया एसेट आ गया। बाकी गेन आ जाएगा लॉस आ जाएगा वो तो आपको पता ही। हाँ अब ट्रीटमेंट देख लेना, पहले जर्नल एंट्री, ये भी कई बच्चे करते हैं गड़बड़। आपको किसी भी नुकसान की अगर एंट्री करनी हो तो वो एंट्री क्या होगी, कैसे सिखाई थी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू नुकसान। तो आपको कोई भी नुकसान की अगर जर्नल एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू नुकसान, और किसी भी फायदे की एंट्री करनी है तो जो भी फायदा हुआ डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एंट्री भी ध्यान रखना। अब वी हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जो आप एग्जाम में नहीं करोगे मुझे पता है तो फिर गलत भी होगा। अब रीवैल्यूएशन के लिए हमेशा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, खासकर इस चैप्टर का अगर होगा तो जैसे ही इस चैप्टर का क्वेश्चन हो तो वैसे ही अपने आप को अलर्ट कर लेना कि मुझे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। क्योंकि अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। देखो पहला केस, पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज शो करें, और दूसरा केस पार्टनर्स चाहते हैं कि हम पुरानी वैल्यूज ही शो करते रहें, है ना। तो उस हिसाब से फिर हमारे ट्रीटमेंट बदल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से केस पढ़ने, तो पहले फर्स्ट केस समझा देता हूँ, ये सिंपल है। अगर हमें रिवाइज्ड वैल्यू शो करने को कहता है तो फिर तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही चीज़ों को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है भाइयों बहनों, सबको क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर उधर वाला केस देखना, दूसरा वाला वो इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यूज शो नहीं करना चाहते, पार्टनर्स पुरानी वैल्यूज ही शो करना चाहते हैं जो भी हम बाद में क्वेश्चन में देखेंगे, तो फिर आपको गेन के लिए क्या एंट्री करनी है? बोलो अपने मुंह से, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। और लॉस के लिए क्या एंट्री करनी है? सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। बाकी रिवैल्यूएशन में कभी कभी कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिसोल्यूशन वाले रियलाइजेशन एक्सपेंस की तरह ही चलता है। तो मैंने ये बॉक्स एक बनवा रखा है, इसको ज़रूर पढ़ के ज़रूर जाना एग्ज़ाम से पहले ताकि आपको क्लैरिटी रहे। दो शब्द पहले आपको बता देता हूँ, एक शब्द होता है बॉर्न करना और एक शब्द होता है पे करना।
बॉर्न करने से हमेशा आप डेबिट एस्पेक्ट निकालो, पे करने से क्रेडिट एस्पेक्ट। अब अगर फर्म ने बॉर्न करा तो आप क्या डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन। और अगर फर्म ने पे करा तो आप क्या क्रेडिट करोगे? कैश। लेकिन अगर पार्टनर ने बॉर्न करा तो आप क्या डेबिट करोगे? पार्टनर कैपिटल। और अगर पार्टनर ने पे करा तो आप क्या क्रेडिट करोगे? पार्टनर कैपिटल। तो कई बार मैं आप जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ? अब आप बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। मान लो लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, वेरी गुड, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर लिखा है एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, ठीक है, तो जैसे हमारे एग्जांपल में ए ने बॉर्न करा था, बी ने पे करा था, तो क्या एंट्री बन गई? ए डेबिट टू बी। तो मतलब इस हिसाब से आप एंट्रियां कर सकते हो। और अगर हम किसी पार्टनर को कोई फिक्स्ड रेम्यूनरेशन या कमीशन देने की बात करते हैं तो उसकी एक एडिशनल एंट्री अलग से और होगी, वो क्या थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है ना। तो ये मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें ध्यान रखनी। उसके बाद दो स्पेशल रिजर्व्स हैं, बिना उनके बोर्ड्स का एग्जाम अधूरा है। पहला तो है जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अब आपको स्टोरी तो पता ही है, मजदूर का हाथ कट जाता है और वो हमसे पैसे मांगने आता है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू याद कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे WCR में 10,000 रुपए हैं। पहला केस, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो उस केस में तो क्या सिखाया था कि पूरा का पूरा 10,000 हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस टू, अगर मान लो 4,000 रुपए का क्लेम है तो उस केस में आपको क्या सिखाया था कि WCR डेबिट 10,000 टू WCL, हम 4,000 रुपए से एक नई लायबिलिटी अपनी क्रिएट करेंगे और पार्टनर्स को सिर्फ कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 6,000। तो ये सब बच्चों को बिल्कुल ओके है, इसमें किसी को दिक्कत डरती हो नहीं, ठीक है। केस थ्री, मान लो वर्कर की लायबिलिटी हो गई 16,000, तो उस केस में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ सिखाई थी कि WCR डेबिट 10,000 और हम नई लायबिलिटी क्रिएट करेंगे WCL 16,000 की, जो कि हमारे रिजर्व से भी ज़्यादा हो गई, तो हमारा एक्स्ट्रा 6,000 का नुकसान हो गया। तो हम उस एक्स्ट्रा 6,000 के नुकसान को कहाँ डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो ये भी सबको क्लियर है, ठीक है। और क्योंकि ये नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में, तो ये नुकसान फिर हमें किसके बीच में बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स के बीच में। वो मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट होगा। बाकी WCL हमें नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखानी पड़ेगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया WCR का खेल, ठीक है। फिर दूसरा स्पेशल रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये थोड़ा ध्यान से करना, इसमें भी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का। ये हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट आएगी तो इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट है 1,00,000। तो अब देखो अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस, कोई गिरावट नहीं आई, तो उस केस में तो हम पूरा का पूरा रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स को। दूसरा केस, अगर हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई और 6,000 की गिरावट हुई, तो देखो ध्यान से एंट्री देखना, ऑब्जर्व करना, तो हम IFR डेबिट 10,000 करेंगे और जितनी गिरावट हुई 6,000 की वो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? देखो, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बचे हुए 4,000 हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। तो ये केस सबको क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना डाउट तो नहीं है अकाउंटिंग। थर्ड केस चलो आप बताओ, ऐसी दिखा रहा हूँ यहीं पे। अब अगर मार्केट वैल्यू हो गई 85,000, यानी कि गिरावट 15,000 हो गई, तो हम क्या एंट्री करेंगे बोलो? आप बताओ, IFR डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन डेबिट 5,000, वेरी गुड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। तो फिर उस केस में आपका 5,000 एक्स्ट्रा नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी एक और भी बात इसमें हो सकती है कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, तो फिर तो दो एंट्रियां आपका इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई
तो फिर तो हम पूरा का पूरा रिजर्व पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ी वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा। तो फिर हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो फिर हमको ये करना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो, तो ये हो गए आपके स्पेशल रिजर्व्स। बाकी इसके क्वेश्चंस जो थे वो मतलब बहुत ही इजी हैं, वो अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, है ना। 20 भी हमने मार्क करा था, लेकिन वो वही सब केसेस हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो, अब देख 24 आप अपने रिवीजन के लिए मार्क कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन था 24। बेसिकली एक क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आप बाद में करना अपने आप भी। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, IFR भी है, और इसके अंदर उसने हमें गुडविल भी दे रखी है नॉन एग्जिस्टिंग, और जनरल रिजर्व के लिए कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, है ना। तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको देखो गुडविल का ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ट्रीटमेंट या जो भी है, ये सब एक साथ करने हैं, है ना। तो बेसिकली बस एंट्रियाँ थी, वो तो खैर जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। इसी तरह क्वेश्चन 25, इसके अंदर भी जनरल रिजर्व है, मतलब ये भी आप मार्क कर लो अच्छे रिवीजन के लिए। इसके अंदर जनरल रिजर्व था, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देखो सस्पेंस भी था, कूड़ा, इसके अंदर रिवैल्युएशंस भी थे, और फिर हमें जर्नल एंट्री करनी थी। तो मतलब इसमें आपके जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ट्रीटमेंट आ गया, रिवैल्युएशन की एंट्री आ गई, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। इसी तरह आप 27 ये भी मार्क कर लो, ये भी 3-4 नंबर में आ सकता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। देखो इसमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज हुआ था, ठीक है, किसी में फ़ायदा हुआ किसी में नुकसान हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में खासियत ये थी कि क्वेश्चन ने ऊपर ये दे रखा है कि पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू मतलब रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यूज, दे डू नॉट वॉन्ट टू चेंज द वैल्यूज, तो इस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो जैसे इसमें हमारा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 30,000, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी बताओ, कॉन्सेप्चुअली गेनिंग टू सेक्रीफाइस, है ना। तो ये मतलब एप्लीकेशन इस तरह से इस क्वेश्चन में लगाई थी, ऐसी 28 में भी था। तो 28 जो है वो अपने लैंग्वेज की वजह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आप चाहे मत करना कोई बात नहीं। उसके बाद देखो जी, ये भी सब ट्रीटमेंट के क्वेश्चन थे, ये भी कैपिटल अकाउंट बनाने का, बैलेंस शीट, ये भी सब आपका हो जाएगा, अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी आप 31 मार्क कर लो, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ताकि कंप्लीट मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो एक 31 इसमें मार्क कर लेना। तो इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगी। इसमें देखो जनरल रिजर्व भी है, इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी है 2, और इसमें एक आइटम था जिसपे हमने कालिक पोत रखी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। वो इसलिए कालिक पोती थी, अगर आपको याद हो, कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी कई बार बच्चे सोचते हैं कि कोई रिजर्व है ना, वो रिजर्व नहीं होता, वो एक क्रेडिटर होता है, तो वो इसलिए कालिक पोत रखी थी। बाकी इसमें देखो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, और इसमें देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, मतलब इसमें 4 आइटम्स तो आपके ऊपर हैं, फिर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नीचे है, और रिवैल्यूएशंस भी हैं, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी है। तो मतलब ये आपके रिवीजन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी इसको प्रिपेयर करके बैलेंस शीट बनानी थी, जो बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने कर रखा है, और बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में कई बार नहीं मेंशन होता, है ना। तो फिर भी आप रिस्क मत लेना, आप कर लेना ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बता देता हूँ इसके स्टेप्स, कि भाई इसके स्टेप्स क्या थे अगर आपको नहीं याद। तो देखो पहले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जैसे ये बी वाला पॉइंट पढ़ लेना, इस तरह से एडजस्टमेंट का पॉइंट दे रखा होगा कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके स्टेप्स ये होते हैं कि पहले तो आप पार्टनर्स की कैपिटल रफ में निकालते हो, है ना, ये देखो स्टेप्स देख लो। पहले आपको पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस क्या निकालने हैं, रफ में, तो वो देखो वो
येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो चारों पार्टनर्स के बैलेंस रफ में निकाल के हम उनको ऐड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल। और उस टोटल कैपिटल को फिर आपको नए रेशियो में डिवाइड करना है। तो हालांकि आप ये सेम आगे एडमिशन में भी करते हो, है ना, तो इसीलिए इस चैप्टर में अगर मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि करना है, लेकिन फिर भी है तो देख लो स्टेप्स। तो हमें फिर ये वाले बैलेंसेस को लिखना पड़ता है अपने कैपिटल अकाउंट में। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? तो देखो मैं दिखा देता हूँ कैपिटल अकाउंट और उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। तो हम टू बैलेंस सीडी के अंदर ये रेड वाली फिगर्स लिखेंगे जो हमने वर्किंग में निकाली, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे देखो डेबिट में बचे या क्रेडिट में बचे, उस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट की खासियत सबको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, कि करंट अकाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, नीचे फिसल जाता है। आपको ऐसे फनी वे में सिखा रखा है। तो जो डेबिट में बचेगा वो नीचे फिसल के लायबिलिटी में आ जाएगा, जो उधर क्रेडिट में बचेगा वो नीचे फिसल के एसेट में आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, हालांकि आगे भी होगी तो डोंट वरी, है ना। तो इसका भी एक ही क्वेश्चन था, 32 या 33 दोनों सेम थे। 32-3 में बस कैश से एडजस्टमेंट करनी थी। तो इसमें प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन बस जो बैलेंस बचेंगे वो करंट अकाउंट में लिखने के बजाय किस में लिखेंगे, कैश में, है ना। तो ये आप दोनों में से मतलब कोई भी बस एक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलो तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो मैं आपसे करवा लेता हूँ, बस आप फास्टर वे में कर लेना। इलस्ट्रेशन 25 है बुक का, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप मुझे आंसर निकाल के दिखा देना बस इसका, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है और 5:3:2, ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, एक तो पीएनएल अकाउंट दे रखा है, बाकी कैश बैंक डेटर स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर ये सब दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, ठीक है। फिर नीचे की कहानी पढ़ा देता हूँ, नीचे दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वॉज एग्रीड टू बी 2:2:1। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया, 2:2:1 कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स तो चलो ऑलरेडी सिंपल हैं, आपको आते हैं कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, कह रहा कंप्यूटर भी कम हो गया, और कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 1,00,000। तो देखो अब ये जो गुडविल होती है जो आपको नीचे दे रखी है, ये कौन सी वाली गुडविल होती है, नॉन एग्जिस्टिंग। तो इसके लिए आप क्या एंट्री करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो अगली लाइन की वजह से है, बस ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में भी ऐसी लाइन आएगी तो मतलब आपको अलर्ट रहना है। अगली लाइन पढ़ लो, येलो कलर कर रखा है मैंने, कि पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी एसेट्स लाइबिलिटीज जनरल रिजर्व पीएनएल एट द सेम वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि पार्टनर इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, है ना, इसका मतलब पार्टनर इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। तो मतलब आपको जनरल रिजर्व के लिए भी एक एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और रिवैल्यूएशन में भी जो आएगा उसके लिए भी एक ही एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, जो भी होगा। तो क्वेश्चन ने देखो यही मांगा है हमसे, कह रहा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब इसका आंसर ओनली एक एंट्री है, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो चलो मतलब ना बनाओ, वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपको बस एक एंट्री करनी है पूरे क्वेश्चन में। तो एक बार चलो करके देखो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। तो तीन पार्टनर्स हैं, बस आप ओल्ड रेशो लिख लो, 5:3:2, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा। चलो तो अब देखो इसमें आपके ट्रीटमेंट्स तो पता ही चल गए आपको। देखो जनरल रिजर्व के लिए आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, फिर आपको नीचे जो गुडविल दे रखी है उसके लिए भी आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो तीन चीज़ तो हो गई ये। अब रिवैल्यूएशन जो है उसके अंदर हमारा लॉस आ रहा है, आपका आया लॉस रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में इसमें 18,000 का लॉस आ रहा है, तो लॉस के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो हमको पहले एक नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा,
फिर एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर कि बेसिकली इसमें जो नेट अमाउंट आएगा वो हमारा आएगा 1,92,000। तो किसी का आया, मतलब कुछ बच्चों ने तो वैसे बताया यही आएगा। तो देखो हमारे जनरल रिजर्व के लिए एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, 80,000 का रिजर्व था। पीएनएल के लिए भी एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, उसका अमाउंट था 30,000। और गुडविल के लिए भी एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, उसका अमाउंट था 1,00,000। तो ये काले रंग वाले तो एक जैसे हो गए, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए एंट्री है सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग। तो जो आपका नेट अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 1,92,000। तो आपको इसमें एक ही एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। तो गेन किसने करा था, टी ने करा था, मतलब तरुण ने। तो तरुण को हम डेबिट कर देंगे। और सेक्रीफाइस किसने करा था, ए ने। तो अंकुर को, मतलब ए को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जो एक ही इसमें, मतलब आंसर जो है वो एक ही एंट्री है बस, ये तरुण डेबिट टू ए, टी डेबिट टू ए, 19,200। बाकी जो बैलेंस शीट है, उसने बोला था बैलेंस शीट बनाओ, वो मैं आपको ओरली दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट जो है वो पूरी 100% सेम रहेगी, मतलब सारे आइटम्स एज इट इज आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, सब कुछ सेम रहेगा। क्रेडिटर भी सेम, जनरल रिजर्व भी सेम, पीएनएल भी सेम, एसेट्स भी सारे सेम। सिर्फ कैपिटल में क्या परिवर्तन होगा, अमर में आप 19,200 ऐड कर दोगे और तरुण में से 19,200 माइनस कर दोगे। तो बस अमर की और तरुण की कैपिटल चेंज हो जाएंगी, लेकिन बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो समझ आया प्रोसेस? तो ये भी मतलब आप अपने रिवीजन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखना, इसमें एक ही एंट्री मांगेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? चलो तो डन टना डन। तो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% श्योर शॉट है कि आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, तो ठीक है। तो एक बार इसको पूरा रिवाइज करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताया था कि सेक्शन 31 जो है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसमें ये दिया होता है कि पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्री किया गया है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से नहीं लिखा हुआ कुछ भी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो फिर आपको कंडीशन एक याद रखनी है कि नया पार्टनर कब एडमिट होगा, जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे, मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल। बाकी फिर पार्टनर के एडमिट होने के बाद जो नया पार्टनर आता है उसको दो राइट्स मिलते हैं, मतलब उसके पास दो अधिकार कहते हैं कि उसको के पास होते हैं। एक होता है उसका राइट जो प्रॉफिट शेयर करने का है, और एक होता है राइट जो उसका एसेट्स को शेयर करने का, मतलब एसेट्स को यूज़ करने का है। बाकी उसकी सेम टाइम पर लाइबिलिटीज़ भी रहती हैं बिज़नेस के प्रति, अगर कुछ भी लॉस हुआ तो मतलब वो लॉस में भी फिर भागीदार रहेगा। तो वो सिंपल बात है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है पहला, वो आप देखना ध्यान से। इसमें आपको ये बताया था कि जब नया पार्टनर आता है, मतलब नया पार्टनर एडमिट होता है, तो पुराने पार्टनर्स जो होते हैं वो जनरली सेक्रीफाइस करते हैं। तो बदले में नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को क्या पे करता है, पीएफजी। लेकिन यहाँ पे ये लिखा भी था कि एग्ज़ाम में पीएफजी शब्द नहीं लिखना आपको, एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ज़्यादा पीएफजी के चक्कर में मत पढ़ना, तो एग्ज़ाम में पूरा ही लिखना, लेकिन वैसे ठीक है। तो नया पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करने के लिए पुराने पार्टनर्स को देता है पीएफजी, ठीक है। बाकी जब भी नया पार्टनर आएगा, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन नंबर का, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है कि भाई क्यों करना पड़ता है, तो आप ये नीचे वाली लाइन लिखना कि भाई इसलिए करना पड़ता है, मतलब जो बिकॉज के बाद लिखा हुआ है, क्योंकि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र कर सकती हैं, मतलब अलग हो सकती हैं बैलेंस शीट की वैल्यू से, और हम नहीं चाहते कि नए पार्टनर को कोई भी फ़ायदा या नुकसान उस चीज़ का दिया जाए। तो इसीलिए हमेशा पहले रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, और अब तो आप जानते भी हो, और उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कौन से पार्टनर्स को दिया जाता है,
ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। तो ये बात मतलब आपसे वन नंबर में पूछ सकता है, ठीक है जी। बाकी फिर हमने कुछ इफ़ेक्ट्स लिखे थे एडमिशन होने पर पार्टनर के, कि पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहुत ही सिंपल इफ़ेक्ट्स हैं कि पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है लेकिन नई पार्टनरशिप आ जाती है, जिसको कहते हैं, ब्लू कलर कर रहा हूँ ध्यान से देखना, जिसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि बिज़नेस चलता रहता है, बिज़नेस नहीं बंद होता। बाकी दूसरी बात, नए पार्टनर के आने पर रेशो भी बदल जाता है, तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ नया फ्यूचर में रेशो हो जाता है। और तीसरी बात ये कि जो भी रीवैल्यूएशन का फ़ायदा या नुकसान होता है वो हमेशा किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो तीन बातें मतलब इसमें ध्यान रखनी। बाकी फिर टॉपिक्स की अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो टोटल मतलब पांच तरह के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको पहला तो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होता है तो नया रेशियो निकालना या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ठीक है। दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी रिवैल्यूएशन में अब आप चैम्प हो चुके, पुराने चैप्टर में आपने कर लिया था। रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट में भी आप चैम्प हो, वो भी पुराने चैप्टर में कर लिया था। बाकी इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आप बहुत अच्छे से मतलब रिवाइज करना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कितने केस होते हैं, मतलब तीन ही मानो आप, वैसे दो होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें दो तरह की लैंग्वेज होती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप अपने लिए तीन ही मान लो। अच्छा, तो अब देखो, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपको मैंने बताया था कि हमें नया रेशियो निकालना पड़ता है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। बाकी इसमें जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं कॉन्सेप्ट में, वो आप रेफ़र कर लेना, या बुक के अगर जो इम्पॉर्टेंट बताऊँगा वो कर सकते हो। तो इसमें बस कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहला तो बेसिक एग्जांपल है, सबसे पहला तो इसी को ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1 और लिखा है डी इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है, बस और कुछ नहीं बोला, तो आपको नया रेशियो निकालने के लिए क्या स्टेप सिखाए थे बताओ। लेट टोटल शेयर बी 1, तो इसमें सबसे पहले आपको यही स्टेप लगाने हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1, फिर डी का शेयर 1/6, तो डी का शेयर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा ए बी सी का 5/6। फिर आप उस रिमेनिंग शेयर को 5/6 को ए बी सी के बीच में 3:2:1 में बांट दोगे, और डी का तो 1/6 है ही ऑलरेडी। फिर चारों को कॉमन एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको नया रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबको याद आ गया स्टेप कैसे करना है, लेट टोटल शेयर 1। बाकी इस एग्जांपल में सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत ये होती है कि इस एग्जांपल में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो। तो आप इस एग्जांपल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नहीं निकालो, टाइम वेस्ट करे बिना आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल। बाकी कुछ और एग्जांपल्स है, वो भी आप मतलब एक बार ज़रूर देख लेना कॉन्सेप्ट में। इसमें ये ट्विस्ट था कि फ्यूचर रेशियो अलग दे रखा था, कि ए बी सी का फ्यूचर में रेशियो 5:3:2 हो गया। तो इस केस में फिर हमें जो रिमेनिंग शेयर बांटना है वो फिर 5:3:2 में बांटना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में बस ये हल्का सा ट्विस्ट हो गया था। फिर आपको थर्ड एक एग्जांपल दिया था, उसमें ऐसा लिखा था कि सी पार्टनर ने जो एक्वायर करा अपना नया रेशियो, सॉरी नया शेयर, वो ए और बी से एक्वायर करा 2:1 में। तो इसमें ये 2:1 जो होता है बताओ ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ये 2:1 जो होता है ये क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें हम ए से भी और बी से भी देखो माइनस करवाएंगे 2:1 के रेशियो में, तो जो भी शेयर सी को मिला वो 2:1 में ए और बी आपस में सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक था जिसमें आपको इस तरह से दे रखा था कि 20% शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ, कई बार वो ऐसा भी दे सकता है। तो 20% का मतलब हो गया कितना शेयर, 1/5। बाकी लिखा है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स, तो फ्रॉम तो मैंने आपको बता ही रखा था कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस करना है, तो हमने एक्स में से माइनस कर दिया। फिर इसी तरह एक था एग्जांपल जिसमें लिखा था ऑफ एक्स या ऑफ वाई, तो ऑफ का मतलब आपको पता ही है अब कि ऑफ में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इस बार हमको एक्स और वाई में से शेयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मतलब एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो बस आप ये एग्जांपल्स जो हैं ये कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसी एक एग्जांपल ये भी था, बड़ा अच्छा एग्जांपल था,
इसमें लिखा था कि डी एडमिट हुआ नया पार्टनर, और एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें ये दे रखी थी कि बी कह रहा है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। तो अब इसके स्टेप बताओ किसको याद है। टोटल शेयर वन, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो टोटल शेयर वन ले लेंगे लेट, फिर डी का शेयर जो 1/4 है वो भी माइनस कर देंगे, और बी ने जो कहा कि मैं रिटेन करना चाहता हूँ अपना 3/10 शेयर वो भी माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो ये आपको स्टेप याद रखने, तो रिमेनिंग शेयर सिर्फ ए और सी के बीच में बांट देंगे और फिर सॉल्व करके नया रेशो आ जाएगा। बाकी सेवन सिंपल था, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, एट्थ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, मतलब मैं स्टार बना रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन की। मतलब इसमें आपको सेक्रीफाइजिंग रेशो दे रखा होता है और नया रेशो निकालना होता है ना, तो मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो हालांकि अब आपको आसान लगेगा, लेकिन मतलब फिर भी देख के जाना। तो जैसे इस क्वेश्चन में ए बी सी का रेशो दे रखा था और डी इज़ एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, तो इसमें इन्होंने ए बी सी का सेक्रीफाइजिंग रेशो दे रखा है और नया रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें डी का जो शेयर है 3/10 वो तीनों पार्टनर्स में से माइनस करना पड़ेगा उनके सेक्रीफाइजिंग रेशो के हिसाब से। तो ये मतलब इसमें सॉल्यूशन था, ठीक है। चलो खैर, तो रेशो वो रेशो तो आप अब निकाल लोगे सिंपल। उसके बाद जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट था वो अब बड़े ध्यान पूर्वक मेरे साथ रिवाइज करना, वो था आपका गुडविल और पीएफजी का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे वन बाय वन करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखवाया था एग्जिस्टिंग गुडविल का, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, मतलब सेम ही है पुराने चैप्टर की तरह, कि इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं हम पीएफजी पर। नया पार्टनर जब पीएफजी लाता है, तो अगर नया पार्टनर पीएफजी प्राइवेटली लाया तो आपकी एंट्री हो गई नो एंट्री, कुछ नहीं करना। अब उसके बाद लिखा होता है कभी कभी कि नया पार्टनर अपने साथ पीएफजी लाया इन कैश, तो उसकी दो कॉन्सेप्चुअल एंट्री आप बड़े ध्यान से देख लो कि क्या है। पहली एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें वो कैपिटल जो लाया वो लिखेंगे, और टू पीएफजी अकाउंट, इसमें जो पीएफजी लाया वो लिखेंगे। फिर सेकेंड एंट्री जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है पीएफजी अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री ज़रूर याद रखना। बाकी गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स का अमाउंट निकालने के लिए ये नीचे बक्से में फॉर्मूला दे रखा है कि जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग शेयर्स, जो हमने पिछले चैप्टर में भी वैसे करा था। अच्छा जी, फिर होता है कभी कभी नया पार्टनर पीएफजी या तो थोड़ा सा लेकर आता है या नहीं लाता, तो उस केस में पहली एंट्री तो आपको सेम ही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कैपिटल टू पीएफजी जितना वो लाया। लेकिन मेन चीज़ जो आपको सिखाई थी वो ये, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि पीएफजी अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद हम क्या डेबिट करते हैं, ग्रीन रंग में है करंट अकाउंट, तो हमें जो भी पैसे वो पीएफजी के नहीं लाया वो कहाँ से छीनने हैं, करंट अकाउंट से। तो ये बात ध्यान रखनी है, और फिर ये बैलेंस शीट में शो भी होते हैं कहाँ, एसेट साइड पे। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट साइड पर शो करना पड़ेगा। बाकी सेम रहेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, है ना, ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है पीएफजी में, जिसमें नया पार्टनर अपने साथ एसेट्स लेकर आ जाता है, यानी कि स्टॉक ले आएगा, बिल्डिंग ले आएगा, या ये सब चीज़ें ले आता है। तो उस केस में पहली एंट्री ही बस आपकी चेंज होगी, आप कैश की जगह क्या लिखोगे, डेबिट एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू पीएफजी, और सेकेंड एंट्री तो फिर से सेम, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू, मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये यहाँ तक कहानी ओके होगी। चलो अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। यहाँ बॉक्स में हमने पहले बॉक्स में लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखो, उसको निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी गुडविल होगी फर्म की, है ना, पूरे फर्म की गुडविल, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नए पार्टनर के शेयर से। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से कई बार हम गुडविल भी निकाल सकते हैं ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P
पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनरशिप। तो ये कई बार आपके मतलब क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऊपर वाले केसेस में हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस के अंदर पीएफजी को रिटेन करा गया है। क्या करा गया है? रिटेन। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि इन्होंने पीएफजी विड्रॉ कर ली, तो फिर आपको एक तीसरी एंट्री और करनी पड़ेगी। तो क्या करनी पड़ेगी बताओ आर्य भाई? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर आपको तीसरी एक और एंट्री करनी पड़ेगी विड्रॉ की। अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गए सिंपल केसेस। लेकिन अगर आपकी किस्मत हुई ख़राब और एग्जामिनर ने सोचा चलो बच्चों को अब डराएं, तो फिर वो कौन सा केस दे सकता है? हिडन गुडविल वाला, यानी कि जिसमें आपके पास ना तो वो पीएफजी देगा और ना ही वो आपको गुडविल देगा। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं देगा, फिर हमको अपने आप निकालना पड़ता है पीएफजी और गुडविल। तो उसके स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नंबर वन स्टेप में टोटल कैपिटल, उसका तो फॉर्मूला होता है नए पार्टनर की कैपिटल वो गिवन होगी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप टू में हम निकालते हैं नेट वर्थ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, कि मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो इस स्टेप में करते हैं, क्योंकि मैंने जितनी अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो बच्चों की इस स्टेप में गलती होते हुए देखा है। अब वो क्या गलती है मैं वो भी बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ येल्लो कलर से। बच्चे नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना भूल जाते हैं। जब वो नेटवर्थ निकालते हैं सेकंड स्टेप में, तो वो जोश जोश में सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन वो नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि ये वो गलती का बड़ा पॉइंट है। तो आप चाहे मार्क कर लो या सतर्क रहना, अब आपकी चॉइस है। बाकी तो फॉर्मूला खैर आपको पता ही है कि एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल सब कुछ करने के बाद बची है वो, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। या फिर आप दूसरे तरह से भी निकाल सकते हो कि भाई टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। अच्छा, फिर स्टेप थ्री तो हो ही जाएगा। अब कैसे आएगी गुडविल? स्टेप वन माइनस स्टेप टू, ठीक है। तो इसमें देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में कई बार तीन नंबर का क्वेश्चन इस पर आए हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना। बाकी फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैसे निकाल लेंगे? गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर में, है ना। चलो, तो ये सब कहानियाँ आपको मैंने समझा दी थी उसकी पीएफजी की, ठीक है ना। फिर इसके हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस एग्जांपल्स करे थे, वो सब बेसिक है, मतलब वो अब आप सीधा बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी जैसे आप मार्क कर लो, हमने सब छोटे छोटे ईजी क्वेश्चंस करे थे। लेकिन पीएफजी की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन एक तो 21 है, ये आप मार्क कर सकते हो या लिख लो बस, ताकि आप जब रिवीजन करो तो इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नया रेशो भी निकाला हमने, और नए रेशो को निकाला, फिर इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था। देखो, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था, और इसमें देखो गुडविल भी नहीं दे रखी थी उन्होंने, तो गुडविल को भी हमने फाइंड कैसे करा? पीएफजी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ नया पार्टनर का शेयर। तो मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के नज़रिए से, ठीक है। बाकी ये सिंपल हैं, ये भी सिंपल हैं। उसके बाद आप 31 भी मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के नज़रिए से। इसमें ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा कि पार्टनर 60% पीएफजी लाया था और 40% नहीं लाया था। तो मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। तो जितने रुपए वो नहीं लाया था उसके लिए हमने क्या करा? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करा था। तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मेन पीएफजी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो ये एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन हिडन गुडविल के, है ना। तो आप 34 को लिख सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन, इससे आपका हिडन गुडविल का देखो स्टेप्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब हमारे पीएफजी के वो थे। बाकी फिर था जी ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ये तो खैर सबको पता ही है। तो एक लाइन में बता दो फ्री रिजर्व का क्या करना है हमको? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी
ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। बाकी WCR और IFR का ट्रीटमेंट वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, पुराने चैप्टर में हमने कर लिया था, और रिवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, पुराने चैप्टर में कर लिया था, ठीक है ना। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराया था, वो दिखा देता हूँ क्यों कराया था, वो आप ध्यान से सुन लेना। सिर्फ इसमें दो पॉइंट्स हैं जिनकी लैंग्वेज की वजह से करवाया था। जैसे कभी कभी ऐसा लिखा होता है, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। जैसे इसमें था, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 15%। तो अब इसमें पहली बात तो ये कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये नुकसान हो गया, जबकि ये नुकसान नहीं है। इसका मतलब है कि हमको अब बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये बादल में देखना, मैंने इसको आपको शॉर्टकट बताया था कि आप बिल्डिंग की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, 170,000 इंटू 100 अपॉन 85। अब ये बताओ 85 कैसे पता चला? जितना अंडर वैल्यू हो रहा है आप 100 में से उसको माइनस कर दोगे। तो अगर मान लो इसमें लिखा होता बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो क्या करते, 100 अपॉन 80। अगर लिखा होता अंडर वैल्यूड बाय 30%, तो 100 अपॉन 70, है ना। सेम चीज़ उल्टा है स्टॉक में। अब स्टॉक में लिखा था स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो इसका मतलब अब हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। तो हम उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, 96,000 इंटू 100 अपॉन 120। अगर लिखा होता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 30%, तो क्या करते, 100 अपॉन 130, है ना। तो मतलब ये एक एग्जांपल आप एक बार अपने आप भी करके देख लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि भाई ये है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और दूसरा एग्जांपल था बैड डेट्स और PDD को लेकर, ये भी थोड़ा मतलब आप ध्यान से करके जाना। एक बार इसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देता हूँ। PDD का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना दे रखा है, 6,000 पहले से, ठीक है। फिर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि बैड डेट्स हो गए 10,000 के। कितने के हो गए बैड डेट्स, 10,000 के। तो अब देखो बच्चे को लगता है कि शायद 10,000 रुपये का नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में। लेकिन बताओ चौहान साहब, आप तो होशियार हो, आपको याद ही होगी कहानी। तो बैड डेट्स अगर 10,000 के हुए हैं, तो सेकेंड एंट्री देखना सभी प्यारे बच्चों, तो हम 10,000 के बैड डेट्स को जब एडजस्ट करते हैं तो पहले कहाँ से एडजस्ट करेंगे, PDD से। तो 6,000 का जो PDD था आप पहले उससे एडजस्ट करेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन में सिर्फ कितना नुकसान लिखेंगे आप, ओनली 4,000। तो ये बात सबको याद आ गई, मतलब ये क्लियर हो गया पॉइंट, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कई बार इसमें भी बच्चा गलती कर देता है। तो PDD अगर है तो बैड डेट्स को पहले आप PDD से एडजस्ट करना, फिर बचे हुए को ही रिवैल्यूएशन में डालना। बाकी अगर वो कह रहा है कि नया PDD बनाओ, तो वो तो आप बना ही लोगे, वो तो एक सिंपल आपका रिवैल्यूएशन डेबिट टू PDD नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद ये सब क्वेश्चन थे छोटे मोटे बच्चों वाले, जो अब आपके लिए बहुत ईजी हैं, इनको आप मत करना, रिवीजन में भी मत करना। बाकी ये एक क्वेश्चन 53 आप मार्क कर सकते हो। इससे इसमें आपका ये है कि इसमें आपको हर तरह के रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें IFR, जनरल रिजर्व, ये वो की मतलब एंट्रियाँ थी, मतलब एक ठीक है अब तो इजी लगेगा, लेकिन वो आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी PFG के फिर मतलब क्वेश्चन, वो तो मैंने आपको मार्क करा दिया, आप बुक वाले ही कर लेना, वो सब आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाओ आप यहाँ पर, उसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट था वो देख लो एक बार ध्यान से। अब हमको एग्ज़ाम में बेसिकली कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होंगी, या मतलब कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो उसके स्टेप्स अब आपको मेरे साथ साथ बोलने हैं, ठीक है, ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताओ, फॉर्मेट। तो अगर वो कह रहा है दो चीज़ें बनाओ तो दोनों ढांचे बनाना, वो कह रहा है तीन चीज़ें बनाओ तो तीनों ढांचे बनाना। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको, हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है, वर्किंग नोट में। उसके बाद आपको PFG की क्या करनी है, एंट्री वर्किंग नोट में। फिर आपको बैलेंस शीट में आइटम्स चेक करने, याद है स्टेप सिखाए थे। अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या आइटम्स दिख सकते हैं, जनरल रिजर्व, चॉकलेट मतलब कूड़ा, है ना, या मटका, मटका मतलब WCR, IFR, ये सब चीज़ें। तो उनको हमें खुद ट्रीट करना पड़ता है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे,
और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट अगर बोलता है तो, है ना। मतलब एक प्रोसीजर से इस तरह से चलेंगे। चलो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ, हालांकि एडजस्टमेंट भी सिखा दूंगा कुछ के। तो आप एक 63 मार्क कर लो, 63 क्वेश्चन हमने करा था बुक का डिस्कस। तो ये बेसिकली इसलिए अच्छा है रिविजन के लिए, इसमें काफ़ी आपके मल्टीपल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, IFR भी है, जनरल रिजर्व भी है, और ये सब चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, और मेन तो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। बाकी एक 67 है, ये भी आप एक मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 67 के अंदर बेसिकली हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो 67 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, इसमें हिडन गुडविल थी, तो वो भी आपके रिवीजन में सही रहेगा। बाकी एडजस्टमेंट के बताता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, जिसमें कुछ अच्छी बात होगी। चलो तो अब देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देख लो, ये पहले की कॉन्सेप्ट, फिर इसके बताता हूँ क्या थे। मेन इसमें दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, दो केसेस होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। केस वन जो होता है, केस वन, उसके अंदर हमें नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में नीचे, कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया वो गिवन होगा, और फिर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि पुराने जो पार्टनर्स हैं दे विल एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो पहले आपको समझ आ गया केस की लैंग्वेज क्या होगी। तो इसके स्टेप बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले निकालनी है टोटल कैपिटल। वो कैसे निकालोगे बताओ, नए पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो तो सेम हो गया। फिर आप इस टोटल कैपिटल को डिवाइड करोगे किस में, न्यू रेशियो में। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको न्यू रेशियो इसमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप जो भी कैपिटल आई उसको लिख दोगे टू बैलेंस CD के तौर पे। फिर बैलेंस आपका क्रेडिट में भी बच सकता है, डेबिट में भी बच सकता है। अब वो एडजस्ट कैसे करेंगे बताओ, हम या तो कैश अकाउंट से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट से तो फिर करंट अकाउंट से। तो मैंने इसका डेमो आपको करके दिखा रखा था, बाकी इस डेमो में ये ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट बचते हैं तो वो आपको याद रखने, वो नीचे फिसल जाएंगे बैलेंस शीट में। बाकी अगर कैश अकाउंट बचता है तो मैंने उसका भी ट्रीटमेंट लिख रखा है। इधर कैश बचने का मतलब है कैश में से माइनस करना है, उधर कैश बचने का मतलब है कैश में ऐड करना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। और इनकी जर्नल एंट्रियाँ भी अकॉर्डिंगली आपको लिखवाई थी, है ना। कभी कभी जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है कि भाई इसकी क्या है और उसकी क्या है, तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसका एक सवाल है 80, वो आप मार्क कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो उसमें आपको बस लैंग्वेज दिखा देता हूँ, ये देखो 0.5 कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ठीक है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज आपको दे रखी होगी, तो ये केस वन की पहचान होती है। आपका केस वन का ये लैंग्वेज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब केस वन की क्वेश्चन है। देखो इसमें ऐसे दिखा देता हूँ, तो जैसे इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस जो बच रहा है ना, तो वो बैलेंस जो है नीचे बैलेंस शीट में फिसल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, तो या तो कैश से हो सकती है एडजस्टमेंट या करंट से हो सकती है एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद चलते हैं अपने केस टू पर। अब केस टू की पहचान ये होती है मेनली कि इसमें नए पार्टनर का कैपिटल जो है वो गिवन नहीं होगा, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो नहीं दे रखी होगी। इसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल बल्कि खुद निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड। तो इसमें लैंग्वेज जो कीवर्ड है वो बता रहा हूँ, वो लिखा होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। तो ये उसकी लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन 83 अभी दिखा भी दूंगा, आप चाहे पहले से लिख लो इसका ये क्वेश्चन, मतलब आप रिविजन में कर लेना। तो इसमें सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो इसको माइंड में मतलब चलाओ कि ये क्या कह रहा है, कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन दोनों की कैपिटल्स को आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उन दोनों के ही कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। तो ये मतलब आपको
स्टेप वन में करना है। बाकी स्टेप टू में तो फिर आप नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल कैपिटल इनटू हिज शेयर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था, इसमें कभी कभी लैंग्वेज बदल जाती है, वो है ये स्टार पॉइंट, कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल या 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका भी क्वेश्चन मार्क कर लो 86। तो फिर आपको रेसिप्रोकल से नहीं मल्टीप्लाई करना, तो आप मतलब इधर देखो बादल में, ट्विस्ट क्या हो जाएगा हल्का सा, कि फिर आपको जो कंबाइंड कैपिटल्स हैं ओल्ड पार्टनर्स की, सीधा उससे नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें आपका स्टेप वन नहीं लगेगा, मतलब आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यही दो क्वेश्चन इसमें बेसिकली आप मार्क कर लेना, 83 और 86। तो देखो ये 83 है, इसमें आपको स्टेप दिखा देता हूँ नीचे, कि हमने नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड करी। ये देखो, इसमें हमने नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड करी थी, ये देखो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना, फिर मल्टीप्लाई करा रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, तो ये आ गई टोटल कैपिटल 338,400। और फिर उस 338,400 में नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करा 56,400, ठीक है। लेकिन अब 86 में देखना ट्विस्ट, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसकी लैंग्वेज में लिखा था, फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि मोहन ब्रिंग 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आनंद शाह, इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड नहीं लिखा था। तो इसका स्टेप दिखाता हूँ, इसमें हमने फिर कैपिटल कैसे निकाली थी मोहन की, इसमें सीधा मोहन की जो कैपिटल निकली वो कैसे निकली, कि बस हमने आन और शान की कैपिटल को जोड़ा यानी ऐड करा और सीधा उसका 1/4 निकाल दिया। तो मतलब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, कर लोगे रिवाइज। चलो, तो मतलब ये था संपूर्ण कॉन्सेप्ट फिलहाल जो इस चैप्टर का आपको आना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट का मतलब है कि एक पार्टनर हमें छोड़कर चला जाएगा। तो जब पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसको भी कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसका मतलब है, रिटायरमेंट का मतलब है कि ए पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि एक पार्टनर अब पार्टनर नहीं है, बस सिंपल। लेकिन सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर कैसे रिटायर होता है। तो हम कहते हैं कि भाई पार्टनर जो है वो कैसे रिटायर होता है, ए इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट। तो अगर पहले से डीड में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 को बी रिटायर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अब मान लो उन्होंने पहले से डीड नहीं बना रखी या पहले से एग्रीमेंट नहीं कर रखा और फिर सब पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई तुम रिटायर हो जाओ, तो फिर वो रिटायर हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो पार्टनरशिप इन केस एट विल के केस में होता है। अब इसमें दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स पार्टनरशिप जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप पार्टनर्स होते हो। तो उस केस में अगर आप रिटर्न में नोटिस दे देते हो या अपना कंसेंट दे देते हो कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो फिर आप रिटायर हो सकते हो। तो लेकिन उसमें आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब तीन तरीके हैं ये याद रखना रिटायर होने के, कि अगर एग्रीमेंट है या फिर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं, तो इसमें आप ओरली भी रिटायर हो सकते हो कि आपने बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ और बाकी कह रहे हैं चलो ठीक है हो जाओ, तो फिर रिटायर हो जाओगे। अदरवाइज़ फिर आपको रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक और इसमें मज़ेदार पॉइंट था कि जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी कब तक चलती रहती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उसकी लायबिलिटी बताओ कब तक चलती रहेगी, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो अगर आप रिटायर होते हो या कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तभी फिर मतलब उसका रिटायरमेंट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो फिर वो आगे तक लायबल बना रहेगा और पता चला जेल भी हो जाए। चलो, फिर हमने टॉपिक्स लिखे थे मेनली, तो इसके अंदर जो हमसे पूछता है, तो टॉपिक्स एक बार आप देख लो कि भाई क्या थे।
रेशियोज़ का था, गुडविल का ट्रीटमेंट था जो हम अभी देखेंगे, बाकी फ्री रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, वो सब हमें पता ही है। बाकी नया टॉपिक अगर देखें तो वो बेसिकली है लोन अकाउंटिंग रिटायरिंग पार्टनर का और बैलेंस शीट विद कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो पहले गेनिंग और नए रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसमें मोटा मोटा पहला जो केस है ज़्यादातर वो आता है एग्ज़ाम में जो बहुत सिंपल है। तो इसमें देखो हमने लिखा था कि तीन पार्टनर्स हैं, लेट से ए बी सी 3-2-1, और बी पार्टनर रिटायर हो गया, तो बस आपको सिंपली बी पार्टनर को हटाना है, तो जो ए और सी का रेशियो बच गया 3:1, उसी को हम गेनिंग भी कह देंगे और उसी को न्यू भी कह देंगे। तो ये सबसे सिंपल होता है। बाकी कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको नया रेशियो दे दे, तो उस केस में जो हमने पहले पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से हम गेनिंग सेक्रीफाइजिंग शेयर निकाल सकते हैं। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ हमने लिख रखी है वो देख लो, अगर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो तो पॉजिटिव वाले को सेक्रीफाइस कहेंगे, नेगेटिव वाले को गेन कहेंगे, लेकिन अगर आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते हो तो पॉजिटिव वाले को गेन कहेंगे और नेगेटिव वाले को सेक्रीफाइस कहेंगे। तो आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आता है वैसे तो। अच्छा जी, उसके बाद नए रेशियो निकालने के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर छोटे मोटे से हैं, आसान से हैं। तो इसमें अगर आप इम्पॉर्टेंट लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर, वो आप थोड़ा सा मार्क कर लेना अपने रिवीजन के लिए और बाकी उन्हीं को प्रैक्टिस करके देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन 10 ये आप मार्क कर सकते हो, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसका आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्या था इसमें, तो बस आप बुक ऐसी मार्क कर लेना चाहें। इसमें तीन पार्टनर्स थे, उनका हमको रेशो दे रखा था और क्वेश्चन ने बोला था मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो इसका मतलब है कि मुरली अपने शेयर का 2/3 हिस्सा नवीन को दे रहा है और रिमेनिंग शेयर वो ओम प्रकाश को दे रहा है। तो ये इस तरह की मतलब लैंग्वेज थी। तो इससे हमको गेनिंग रेशो भी निकालना था और न्यू रेशो भी निकालना था, है ना। बाकी तो खैर सिंपल थे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जो मतलब आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट कवर हो रहा था मेनली गुडविल का, ठीक है, वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से सिखा देता हूँ। तो देखो इसमें लिखा था कि तीन पार्टनर्स है, सुनील, शाहिद और डेविड, और उनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनना, रिटायरमेंट चैप्टर में हमेशा 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 आप ये ध्यान रखना कि गुडविल जब भी दे रखी है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको तब भी सिखाया था कि आप हमेशा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो गुडविल है 72,000 और शाहिद का शेयर है 3/9, तो कितना आ गया उसका, शाहिद का शेयर 24,000। तो सबसे पहले आप ये लिख लो 24,000 और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर लो। ठीक है, और जो भी ये शेयर होता है ये कौन पार्टनर्स आपस में बियर करते हैं, गेनिंग रेशो में जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं जनरली, तो वो आप वर्किंग देख लो। तो इसमें जैसे हमने गेनिंग रेशो वर्किंग में निकाल लिया था कि सुनील और डेविड गेन कर रहे हैं और इनका गेनिंग रेशो कितना आ गया था 13:11। तो अब ये जो शाहिद को गुडविल का शेयर मिलेगा ये 13:11 में मिल जाएगा। तो मतलब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, रिटायरमेंट के पूरे चैप्टर में यही रहेगा। अच्छा, बाय चांस अगर कोई सेक्रीफाइस कर देता पार्टनर इन दोनों में से, अगर मान लो कोई सेक्रीफाइसिंग होता तो क्या करते हम, तो फिर क्रेडिट कर देते उसको, हाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते, तो वो भी मतलब हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मतलब हर क्वेश्चन में गुडविल की मोटा मोटी यही एंट्री और यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो हर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह से काम हो रहा था। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप एक ये वाला मार्क कर लेना 18th, इसको रिवीजन में ज़रूर रखना, इम्पॉर्टेंट था। अब 18th में क्या है वो मैं बता देता हूँ। 18th बेसिकली रिटायरमेंट के अंदर भी एक हिडन गुडविल का मतलब कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, तो वो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के क्या है।
तो इसमें देखो दे रखा था कि शिवम कपिल दीपक जो है वो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:1:2 और 31 मार्च को कपिल रिटायर हो गया। हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 3,50,000। इसका मतलब है कि हमें 3,50,000 कपिल को देने, लेकिन फिर अगली लाइन में ऐसा लिखा होता है जनरली कि शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो अब बस ये आपको मतलब इससे पता लग जाता है, तो हमको 3,50,000 देने थे रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन हम कितना दे रहे हैं 4,20,000। तो जो ये आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ये उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है। तो बस कितना था उसका शेयर ऑफ गुडविल 70,000। तो ये बेसिकली इससे हमको ये पता लग गया था कि 70,000 उसका गुडविल का शेयर है, बाकी गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में एक और अच्छी लाइन आगे जोड़ रखी थी कि हमने रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल करने के लिए उसको कैश नहीं पे करा, क्या पे करा? कंप्यूटर। तो इसीलिए अगर आप एंट्री देखेंगे तो सेकेंड एंट्री के अंदर हम उसको कैश नहीं पे कर रहे, हम क्या पे कर रहे हैं? कंप्यूटर। तो ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी, गुडविल के लिए। बाकी ये सब नॉर्मल वही गुडविल के क्वेश्चन जो आप कर लोगे, है ना, बाकी रेजिंग गुडविल नहीं पढ़नी वैसे। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पे। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम ही है, तो इसमें तो मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअली हमें नहीं करना है ना। तो रिवैल्यूएशन का तो मतलब आप 100% सेम समझ लो, तो इसके क्वेश्चन वगैरह तो एज इट इज़ सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्री रिजर्व्स के ट्रीटमेंट। तो फ्री रिजर्व के क्या ट्रीटमेंट होते हैं रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर, बताओ? ओल्ड पार्टनर्स को मतलब हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसमें मतलब आपका ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट सेम रहेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अब एक मार्क कर लो क्वेश्चन एग्जाम के लिए 31, मतलब जब रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन आप इसमें अपने रिवीजन में ज़रूर रख लेना। तो 31 में मैं बता देता हूँ, 31 में क्या है कि भाई देखो आपको एक रिजर्व भी दे रखा है, एक WCR भी दे रखा है, PNL भी दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, तो इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई हर तरह की चीज़ हो सकती है। बाकी क्वेश्चन में एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट इसमें डाल रखा था कि पार्टनर्स ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो सब कुछ ओरिजिनल वैल्यू पर रखेंगे, इसका मतलब वो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो ये बेसिकली आपका चेंज इन PSR चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो जब पार्टनर्स चेंज नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली वो काम करना है। तो ये देखो इसकी वर्किंग, तो हमने पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स निकाल लिए, फिर हमने नेट अमाउंट निकाल लिया, चॉकलेट्स को जोड़ दिया, कूड़े को माइनस कर दिया, और फिर हमने एंट्री कर दी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो समझ गए, मतलब ये एक रिटायरमेंट के अंदर चेंज इन PSR का कॉन्सेप्ट लगवाने वाला क्वेश्चन उसका दे रखा था। फिर आते हैं जी अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। तो मान लेते हैं सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो सी पार्टनर रिटायर हो जाएगा जब, तो आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे नॉर्मली, लेकिन जो उसका बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बताओ क्या करना है, बताओ सर? तो नीचे देख लो डब्बा, उस बैलेंस को या तो आप पे करते हो, अगर पे कर दिया तो आपको लिखना है टू कैश या बैंक, और अगर आप पे नहीं करते, मतलब मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, पे नहीं करते, तो फिर हम उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? लोन अकाउंट में। तो फिर हम मान लेते हैं कि हमने उससे लोन लिया है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस की कहानी है। उसके बाद फिर हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करे थे, ये तो सब सिंपल हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आप 37 को मार्क कर सकते हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन में। 37 के अंदर मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट दे रखी है, और इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव आपको कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, डेटर्स से रिलेटेड, बैड डेट्स प्रोविजन, गुडविल दे रखी है, कुछ रीवैल्यूएशंस दे रखे हैं, और एफ पॉइंट में दे रखा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ,
उसको हमने 20,000 रुपये चेक पे करा और जो बैलेंस बच गया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, तो आमतौर पर बच्चा क्या करता है कि लेजर की प्रैक्टिस तो रखता है, जर्नल एंट्रियाँ नहीं करता। तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रियाँ करनी है, तो मैं दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या एंट्रियाँ होंगी। एक आपकी गुडविल की एंट्री होगी, फिर जनरल रिजर्व की एंट्री होगी, फिर जो रिवैल्यूएशंस हुए बैड डेट्स के, प्रोविजंस के, उनकी एंट्री होगी, स्टॉक फर्नीचर की एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इसमें ज़्यादा था उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन गेन बांटने की एंट्री हो गई। और फिर हमने देखो रिटायरिंग पार्टनर को, लास्ट एंट्री देखना ध्यान से, रिटायरिंग पार्टनर को पहले हमने उसका टोटल अमाउंट निकाला कि वो कितने रुपए बन रहा है, 155,125, फिर 20,000 रुपये क्या पे करे, चेक, और बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, लोन अकाउंट में। तो आपको समझ आ गई कहानी, प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन मतलब इसलिए थोड़ा सा रेलिवेंट था कि इसमें हमसे जर्नल एंट्रीज मांग रखी थी। इसी तरह एक और था जर्नल एंट्री वाला, तो वो भी मतलब सेम ही है। फिर एक और कॉन्सेप्ट इसमें जो नया है, जो बहुत ज़रूरी है, जो सबको आना चाहिए, कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट अगर बनाने को आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे। तो वो देखो कि जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, तो वो मैंने बताया था कि मतलब वो एक लायबिलिटी होता है, तो उसमें हम पहले देखते हैं कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद क्वेश्चन में बताता हूँ। तो जैसे ये एक हमने एग्जांपल करा था यहाँ पर, तो इसी एग्जांपल से बता देता हूँ, बस आप ध्यान से फिगर्स पे फोकस करना। तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर का 1,00,000 रुपये बैलेंस बच गया था, ठीक है, और हमने उसको कहा था कि हम तुम्हें 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो 1,00,000 रुपये के 4 इंस्टॉलमेंट कितने बन गए, 25, 25, 25, 25, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और फिर लिखा था क्वेश्चन में टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, और 10% का इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट बस आपको ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। तो जब आप पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1,00,000 का करोगे, तो वो कितना आएगा, 10,000। लेकिन जब दूसरा इंटरेस्ट करोगे तो 75,000 का करोगे, वो आएगा 7,500। फिर तीसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 50,000 का, वो आएगा 5,000। और आखिरी इंटरेस्ट 25,000 का, 2,500। तो ये जो नीचे टोटल में लिख रखी हैं ये हमारी किस्तें बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई, 35,000, 32,500, 30,000 और 27,500। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी स्टेप वाइज याद रखना। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय जेड कैपिटल, स्टेप वन। फिर उसके नीचे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आया, स्टेप टू। फिर स्टेप थ्री में हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर, टू बैंक, जो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। और उसके बाद हमारा बैलेंस बच गया 75,000, ठीक है, तो सही हो गया, सिंपल। फिर ऐसी सेकंड ईयर में अगेन बैलेंस आ गया 75,000, फिर स्टेप टू में इंटरेस्ट आ गया 7,500, और स्टेप थ्री में पेमेंट आ गई टू बैंक 32,500। तो भाई क्लियर है सबको, किसी को भी देख लो, डाउट तो नहीं है, लोन अकाउंट आप इस तरह से पूरा बना लोगे। बाकी एंड में क्रॉस टैली खुद से करने के लिए देख लेना कि जब आप आखिरी पेमेंट कर दो तो बैलेंस कितना बचेगा, नील, तो लोन ख़त्म हो जाएगा, है ना। बाकी आप ये इलस्ट्रेशन मतलब 33 जो था इसको मार्क कर सकते हो, इसमें बेसिकली एक हल्का सा ट्विस्ट था, इसमें क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था और ये एग्ज़ाम में आया भी है पहले, 3 नंबर का 4 नंबर का। इसके अंदर ये ट्विस्ट था कि क्वेश्चन ने 2 इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, 37,500, 37,500 पहले ही दे रखी थी, और लास्ट वाली उसने कहा था कि बैलेंस निकाल लो। तो खैर मतलब है तो सिंपल, अब तो सिंपल है, लेकिन उस समय मतलब एक लैंग्वेज की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इसमें हमको फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन थी 37,500, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकली थी। मतलब ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। अच्छा जी, तो ये हो गए आपके लोन अकाउंट बनाने वाले। बाकी क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसको भी आप अपने इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें आइटम्स काफ़ी सारे थे, तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो मतलब ब्रीफ में कैपिटल अकाउंट दिखा देता हूँ, उसी से समझ आ जाएगा। तो इसमें देखो पार्टनर था, फिर हमने उस रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, गुडविल भी दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया, उसने ड्राइंग भी करी थी तो डेबिट हो गया, उस ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था तो डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी था तो डेबिट हो गया,
और हमने उसको 7700 की पेमेंट कर दी थी, तो टू कैश भी हो गया। फिर लास्ट में जो बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब है इजी, लेकिन इसमें आपको आइटम्स अच्छे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और फिर देखो लोन अकाउंट, 1,00,000 रुपये का लोन था और वो दे रखा था कि 2 किश्तों में पे होगा, तो 2 किश्तें बन गई 50-50। और फिर इंटरेस्ट दे रखा था 6% का, तो पहला इंटरेस्ट कितना आएगा 6,000 और दूसरा इंटरेस्ट कितना आएगा 3,000। तो मतलब ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, तो इसमें लोन अकाउंट ऐसे बन जाएगा। तो समझ आ गया सबको, तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल ओके हो गई। चलो फिर है जी लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट में कितने केस होते हैं बताओ, मतलब किताब के हिसाब से देखोगे तो वो लगेगा पता नहीं 5 केस हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे मोटे आप मानना कि 3 ही केस हैं, ठीक है, कितने केस हैं 3। तो देखो पहला केस जो है, आप केस वाइज केस लेकर चलना, पहला केस जो है उसमें हमें नई फर्म की कैपिटल दे रखी होगी, ठीक है, बस ये सबसे बड़ी पहचान है। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी है, वो कहता है कि टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म इज इक्वल टू द कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, तो मतलब ये भी हमें एक तरह से कैपिटल दे रखी होती है। तो इसमें आपको स्टेप बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको टोटल कैपिटल जब दे रखी है तो आप सीधा पहले स्टेप में क्या कर दोगे, उसको नए रेशो में डिवाइड कर दोगे, सिंपल, ठीक है, और फिर उसको लिख दोगे टू बैलेंस CD, और जो भी बैलेंस बचेगा चाहे इधर बचे चाहे उधर बचे उसको क्या लिख दोगे, टू या तो कैश या करंट अकाउंट। तो ये हमने पहले भी देख रखा है ना, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या लिख लेंगे, कैश। अच्छा फिर करंट अकाउंट अगर बचता था वो कहानी भी बता दो, तो उसको क्या करना है, करंट अकाउंट अगर बचेगा तो बैलेंस शीट में नीचे फिसल के आ जाएगा बस। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस है, ठीक है। दूसरा केस और तीसरा थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें टोटल कैपिटल मतलब दे नहीं रखी होती आपको, है ना, टोटल कैपिटल नॉट गिवन, कभी भी नहीं देगा। लेकिन इसमें वो ऐसे लैंग्वेज लिख देता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं नए रेशियो में, बस ऐसे लाइन लिखी होगी। तो इसमें फिर आपको एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, आपको टोटल कैपिटल अब खुद निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो टोटल कैपिटल खुद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स को जोड़ लेंगे, मतलब एडजस्टेड कैपिटल्स को जोड़ लेंगे। तो समझ आ गया मेंटली कि स्टेप वन में क्या हो रहा है, कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे होंगे उनके आप बैलेंसेस को ऐड कर लेना, तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद के स्टेप सेम, फिर उसको नए रेशो में डिवाइड कर देंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उसको कैश या करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो मतलब ये आपका हो गया केस टू। तो केस वन का जैसे एक क्वेश्चन आप मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए, 47 है ना, बुक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका वो लाइन दिखा देता हूँ, देखो डी पॉइंट पढ़ना बस जो हमारे मुद्दे का है। तो जैसे केस वन की पहचान ये होती है कि ऐसा लिखा होगा डी पॉइंट की तरह कि एक्स और जेड ने डिसाइड करा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,20,000, है ना। तो बस देखो, तो इससे पता चल गया कि फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है, तो फिर आपका कौन सा केस हो जाएगा, वन, बस। बाकी सॉल्यूशन में ऐसे दिखा देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में देखो हम 1,20,000 को नए रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो एक्स का आएगा 90 और जेड का कितना आ जाएगा 30। और देखो दोनों के जो बैलेंस बच रहे हैं उधर दिख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 600 रुपये और 200 रुपये, उसको क्या लिख दिया, बाय कैश, बस। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये केस वन में आपको टोटल कैपिटल देखो ऐसे गिवन होती है। अच्छा उसके बाद केस टू का देखो एक मार्क कर लो, 48th, इसमें केस टू कवर होगा, उसकी लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ। 48th क्वेश्चन के अंदर देखो ये वाली लाइन पढ़ो, सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो कि अमित एंड बलान डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब इसमें भी लिखा तो यही है कि अमित और बलान अपने कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन नई कैपिटल नहीं दे रखी। तो अब देखो इसके स्टेप्स दिखाता हूँ, इसमें पहला स्टेप क्या होगा, तब तक सोच के बताओ क्या था पहला स्टेप। हाँ, जो उनके कैपिटल बच रहे हैं उसे ऐड कर लेंगे। तो देखो हमने वर्किंग में यही कर रखा है, ए और बी के क्या बैलेंस बच रहे थे, 42,100
और 37,900 मतलब जो भी बच रहे थे, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल कैपिटल। उसके बाद के स्टेप सेम होंगे, अब इस टोटल कैपिटल को किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशियो में, तो ये बन जाएगी टू बैलेंस सीडी। तो दिखा देता हूँ देखो, तो अब हम उनकी कैपिटल 48 और 32 लिखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट में, ये देखो 48 और 32, और फिर जो भी बैलेंस बचा देखो ब्लू कलर में, उसको क्या लिख दिया, करंट अकाउंट, और वो नीचे फिसल के चले जाएंगे। तो समझ आ गया स्टेप, केस वन केस टू बिल्कुल ओके हो गया। फिर केस थ्री और देख लो, वो सबसे चटपटा है एग्जाम के लिए, उसमें कहानी होगी बहुत डरावनी सी, तो कहानी डरावनी है लेकिन स्टेप रख के जाना घर से। कहानी ऐसी होगी कि रिटायरिंग पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि हम उसे कैश पे कर रहे हैं, और लिखा हो ये भी होगा कि बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट, तो इस तरह की स्टोरी होगी, है ना। तो उसके स्टेप्स थोड़े से आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या होंगे उसमें। आपको स्टेप जो करना है इस बार, देखो टोटल कैपिटल जब हम निकालेंगे तो बड़े ध्यान से स्टेप्स पे गौर फरमाना, तब हमें कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स तो लेनी है ही है रिमेनिंग पार्टनर्स की, है ना, जो आप केस टू में करते हो उतना तो करना ही करना है, और साथ ही साथ आपको प्लस करना है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब एक हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगा कि आपको क्या ऐड करना है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। और उसके अंदर भी एक और कहानी बन सकती है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह की लाइन ऐड कर देता है कि पार्टनर्स वांट कि भाई उनका एक रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस बचा रहे, या पार्टनर्स वांट उनका एक रिक्वायर्ड कैश बैलेंस बचा रहे, तो उस केस में आपको ये येल्लो वाले स्टेप और प्लस माइनस करने पड़ते हैं कि जो भी वो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस हमसे चाहता है उसे हम ऐड करके रखें, और जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है उसे हम माइनस करके रखें, है ना। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन में बता दूंगा जिसमें ये सब बातें लगेंगी, लेकिन इसमें आपको टोटल कैपिटल थोड़ा इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक। बाकी दो स्टेप सेम है नीचे के, स्टेप टू सेम है, नए रेशियो में बांट देंगे टोटल कैपिटल को, और स्टेप थ्री भी सेम है कि भाई एडजस्ट करना है बैलेंस थ्रू कैश अकाउंट, है ना। तो देखो केस थ्री में बस क्या ट्विस्ट है कि टोटल कैपिटल का जो फॉर्मूला है एक बार अपने माइंड में चला लो, क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो इतना तो केस टू वाला ही हो गया, बस आपको एक नई चीज़ क्या और ऐड करनी है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, बस। बाकी येल्लो वाला तब करना है जब क्वेश्चन कहेगा, तो वो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि क्या है। चलो जी, तो एक तो आप मार्क कर लो 52 अपने एग्जाम के रिविजन के लिए, बस 52 कर लोगे, तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्थ पॉइंट पढ़ना, देखो बस मुद्दे की बात करेंगे डिस्कस। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि वाई इज पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो केस थ्री की पहचान बताता हूं, रिटायरिंग पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि हमने उसको पे कर दिया, तो लिखा है देखो वाई इज पेड, और फिर ये ब्रॉट बाय ऐसे शब्द लिखे होंगे कि मतलब पैसा कौन लाया, तो अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट। तो ये दो तीन कीवर्ड्स आप बस मार्क करके रखो, कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा, ब्रॉट बाय होगा, तो बस समझ जाना है केस थ्री है, रिटायरमेंट के केस थ्री की ये पहचान है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स, ठीक है मीत भाई देख लेना अब ध्यान से। तो अब देखो इसके स्टेप्स का ट्विस्ट क्या था जो सिखाया था, अब इसके स्टेप्स जो थे वो ऐसे ही बताया था, अब तो हमने सॉल्व कर रखा है, लेकिन कि भाई जैसे मान लो जो भी बैलेंस बच रहा है एक्स का, तो एक्स का हमारा बैलेंस जो बच रहा था वो बच रहा था, अब मेरे पास एग्जैक्टली फिगर्स नहीं है, लेकिन एक्स का बैलेंस बच रहा था 40,500 मान लो, ठीक है, या इधर ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, तो एक्स का मान लो बैलेंस बच रहा था, कुछ भी बच रहा था ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है इसमें क्या था, और जेड जो है उसका भी बैलेंस कुछ बच रहा था, ठीक है, तो हमने उन दोनों के बैलेंस जो भी बच रहे थे वो लिखे, और साथ ही साथ हमें एक चीज और जोड़नी थी, क्या, जो वाई को अमाउंट पेबल है, यानी कि जो हमें वाई को पैसा पे करना है ना, जैसे यहां पर खाते में अगर देखें तो हमने देखो वाई को कितने रुपए पे करें, वाई को 133,500, तो हमें ये भी ऐड करे होंगे हमने, तो हमने x का बैलेंस, z का बैलेंस
और वाई को जो पे करना है वो तीनों को ऐड करा तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल। तो इन तीनों को जोड़कर हम क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल। तो बात समझ आई आपको कि इस केस थ्री में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? तो हमें एक्स का बैलेंस भी जो बच रहा होगा, भाई जो भी बच रहा होगा उस समय, अब तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन जो भी बच रहा होगा, और प्लस जेड का बैलेंस जो भी बच रहा होगा, और प्लस जो वाई को पे करना है 133,500, इन तीनों को जोड़ा होगा तब मेरी टोटल कैपिटल आई होगी, जो आई होगी 367,500। कितनी आई होगी इन तीनों को जोड़कर? 367,500। बाकी आप खुद भी करके देख लेना एक बार रिवीजन में। और फिर इस टोटल कैपिटल को 367,500 को हमने नए रेशियो में बांट दिया होगा, एक्स और जेड के न्यू रेशियो में बांट दिया होगा, है ना। तो एक्स और जेड का नया रेशियो जो था, सवाल में देख लेता हूं क्या था, दे रखा है कुछ, 3:2 ये रहा है ना, 3:2। तो इसको हमने 3:2 में बांट दिया होगा, और 3:2 में बांट कर ये आ गया होगा 220,500, और Z का आ गया होगा 147। तो वो हमने टू बैलेंस सीडी में लिख लिए। तो बट आप प्रोसीजर समझ गए सब बच्चे के स्त्री का, तो सबको ओके हो गया? चलो अच्छा, इसी तरह देखो 54। अब 54 भी आप मार्क कर लो, 54 भी केस थ्री ही है, 54 भी केस थ्री ही है, लेकिन देखो अब इसमें ध्यान से देखना, 54 में पूरी अंग्रेजी पढ़ना एफ पॉइंट की, कि पवन इज पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय सूरज एंड कमल। तो देखो वही कहानी चल रही है, ब्रॉट इन वर्ड आ गया सूरज एंड कमल, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट। तो इतनी इंग्लिश तो केस थ्री की बन गई ना। अब आगे वो बॉक्स देखना, जब आपको क्लास में करवाया था इसीलिए बॉक्स बनवाया था, कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं कि इनके पास कैश कितना बचा रहे? 10,000। ठीक है, तो अब इस बार देखो टोटल कैपिटल का आपको स्टेप दिखाऊंगा। इस बार टोटल कैपिटल का पता है स्टेप कौन सा लगेगा, एक बार दिखा के आता हूँ और ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस बार टोटल कैपिटल निकालते समय देखो मैं क्या क्या जोड़ूंगा, पहली माइंड क्लियर रखो, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल बचेंगे वो, फिर रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो, प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस भी जुड़ेगा, वो कितना है इस क्वेश्चन में? 10,000। ओके, और मैं माइनस भी करूंगा एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो वो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो चार बातें देखो आपको दिखा देता हूं, फिर आप बता देना कि आपको मेंटली क्लियर हो गया ना कि क्या लगा रहे हैं स्टेप्स। तो देख लेते हैं अगर वर्किंग में कर रखा हो तो, हाँ तो कर रखा है थैंक गॉड। तो देखो जी ये देख लो बस आंखें खोल खोल के, टोटल कैपिटल में कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है ना, तो एक्स और जेड के जो भी बैलेंस बच रहे थे उस समय हमने वो जोड़ लिया, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को हमें 48,200 देना था वो भी जोड़ लिया, प्लस डिजायर्ड कैश बैलेंस ये क्वेश्चन ने दे रखा था तो इसलिए जोड़ लिया 10,000, और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो है वो हमें बैलेंस शीट में देखो पहले से दे रखा होगा कि भाई हमारे पास पहले से कैश कितना है एग्जिस्टिंग 18,000, तो वो माइनस कर दिया। तो अब आप देख लो कि भाई आप संतुष्ट हो गए, तो हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी इन चारों को सॉल्व करके 104,600। बस फिर नए रेशो में बांट के फिर तो स्टेप सेम ही रहेंगे। तो क्लियर हो गया जी, सबको समझ आया पूरा खेल? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो ये वैसे मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बताओ क्या है, आप बताओ। चलो ये बेसिकली जो डेथ चैप्टर है ये वही है, क्योंकि डेथ चैप्टर में क्या होता है कि पार्टनर अचानक से साल के बीच में हमें छोड़कर चला जाता है। तो रिटायरमेंट अगर साल के बीच में हो गई तो आप एग्जाम पे उसमें वाइटनर लगा के लिख देना कि ये डेथ का क्वेश्चन है, मतलब आप सॉल्व कैसे कर लेना उस क्वेश्चन को कि डेथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो जब हम डेथ का रिवीजन करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर मतलब इज इक्वल टू एक डेथ का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं,
तो इसका कॉन्सेप्ट 100% बिल्कुल वही सेम है जो हमने डेथ में कर रखा होता है 100%। तो आप इसको अलग से यहाँ मत पढ़ना, आप इसको डेथ के चैप्टर में ही डाल दो कि हम वहीं पढ़ लेंगे, है ना। तो और कुछ नहीं है, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन 57 है, तो आप चाहे मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। तो इट इज़ एज गुड एज डेथ ओनली, तो ये डेथ का ही क्वेश्चन है। बाकी आपको अगर डेथ का याद हो तो मैं हल्का सा दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है भाई, एक आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे इसमें वो 6 महीने बाद छोड़कर चला गया, तो बस हमें क्या निकालना है उस आदमी का, 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये मतलब उसमें कहानी होती है। बाकी अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो PNL सस्पेंस, और अगर रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग पार्टनर्स, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट डेथ का वैसे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ओके हो गई कहानी, चलो बहुत बढ़िया। तो चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेथ ऑफ द पार्टनर का मतलब एक तरह से है, जैसे पुराने चैप्टर में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द पार्टनर था, मतलब पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टनर साल के बीच में हमें छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगी। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। दूसरा है गुडविल का ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। तीसरा है रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट, वो भी बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। फिर है रिवैल्यूएशन, वो भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह। बाकी इसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा कह सकते हो आप एक नई चीज़ है। बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आती है, हालांकि आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आती है तो वो भी बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। बाकी नया पॉइंट है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये हम सीख लेंगे कि भाई क्या होता है। बाकी डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, वो लोन अकाउंट की तरह बनता है, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है उसकी तरह। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है। बाकी इसमें एक न्यू सेक्शन है सेक्शन 37, वो हमें थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ये आप अच्छे से थोड़ा याद रखना। तो आप क्रेडिट साइड पर अगर पहले फोकस करोगे तो आपको लिखवाया था कि देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय करंट अकाउंट लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर देखो पार्टनर मर गया है ना, तो फिर हम उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी फ्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो सब एज इट इज रहेगा। गुडविल का शेयर, वो भी आ गया। PNL सस्पेंस हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम डिसीज पार्टनर को जनरली दो चीज़ें देते हैं अपने सिलेबस के अंदर, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो डिसीज पार्टनर 4 महीने बाद मर गया, लेट से, ठीक है। डिसीज पार्टनर कितने महीने बाद मर गया, 4 महीने बाद। तो आप 4 महीने का क्या दोगे उसको, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे, और कभी कभी आप 4 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे। आमतौर पर ये दो ही चीजें आपको दिखेंगी आपके सिलेबस में। तो अगर आपने डिसीज्ड पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें PNL सस्पेंस के माध्यम से पार्टनर के खाते में जाएंगी, ठीक है भाइयों बहनों। तो याद रहेगा दोनों चीजें, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। बाकी अगर मान लो पार्टनर का कोई लोन है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दे रखा है, तो उसको भी हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरी क्रेडिट साइड मतलब आप अच्छे से लर्न कर लेना चाहे या समझ लो। डेबिट साइड में सारा उल्टा हो जाएगा। अगर उसका कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो आ जाएगा, बाकी कोई रिवैल्यूएशन लॉस है वो आ जाएगा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है वो आ जाएगा, और ड्रॉइंग अगर करी है उसने तो वो आ जाएगी, उस ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो डेबिट हो जाएगा। शेयर ऑफ अगर लॉस निकाला तो PNL सस्पेंस मतलब वो डेबिट हो जाएगा। बाकी अगर उस पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है, मतलब हमने कोई पार्टनर को लोन दे रखा है और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर है, तो उसको फिर हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये मतलब मेन कहानी हो गई। बाकी जो बैलेंस बचता है
डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना, ये जो बैलेंसिंग फिगर बचती है, हम या तो उसके लीगल हायर को ट्रांसफर कर देते हैं जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर, तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, बॉक्स में लिखी है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे कर दिया, तो फिर हम पेमेंट की एंट्री करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि आपने उसको इमीडिएटली पे कर दिया। और अगर आपने उसको इमीडिएटली पे नहीं करा, आपने कहा कि हम तुम्हें बाद में पे करेंगे, तो हम एक एंट्री कर देते हैं कि डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो वैसे नटशेल में देखें या टेक्निकली देखें, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी एक लायबिलिटी है, मतलब वो खुद एक लायबिलिटी है, मतलब ये जो होता है ना एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी ही है। और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जो है वो भी एक तरह से लायबिलिटी ही है। तो आप दोनों को मतलब समझ सकते हो, एक ही बात है वैसे, ठीक है, तो दोनों लायबिलिटी ही है। अच्छा, अब दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, तो वो आप बस यहां पे इस एग्जांपल से ही ध्यान से समझ लेना। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो देखो जी, सेल्स के बेसिस पर जब हम निकालते हैं तो उसका पूरा यहां पर एक स्ट्रक्चर है, वो आपको समझा देता हूं। हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा होता है, मतलब पिछले साल हमने क्या प्रॉफिट कमाया वो गिवन होगा, तो कितना प्रॉफिट गिवन है, 1 लाख। अब पिछले साल हमारी कितनी सेल्स थी वो भी गिवन होगा, तो हमने पिछले साल कितनी सेल्स करी है बताओ, 10 लाख, ये गिवन होगा। तो आप इससे ये पता लगा लेते हो कि हमने प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया है, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, जो हो गया 10%, ठीक है, तो इतना पोर्शन आपको गिवन होता है। फिर जब इस साल मृत्यु हुई, मतलब डेथ हुई, वहां पर देखना ब्लू कलर कर रहा हूं, 1 अगस्त, है ना, तो जब 1 अगस्त को डेथ हुई तो 4 महीने बाद 4 महीने की सेल्स क्वेश्चन आपको देगा। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में 4 महीने की सेल्स कितनी दे रखी है, 3 लाख। तो आपको सिंपली बस ये कैलकुलेट करना है कि इस 4 महीने का फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो लॉजिकली अगर आप देखो 10% कितना बन गया, 30,000। तो हम इस 30,000 में उसका शेयर कैलकुलेट करके दे देंगे। तो समझ आ गया, तो ये तो है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मान लो आपको इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो नीचे मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, डिसीज पार्टनर का निकालने का शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। तो इतना ब्रैकेट आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हिज शेयर से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर निकालते हैं प्रॉफिट, है ना, या शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इस टाइम का 4 महीने बाद जो मरा, इस टाइम का कोई यूज नहीं होता। यानी कि जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो आपको कहीं पर भी मतलब इस 4 महीने का कोई यूज नहीं करना। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, करके दिखाता हूं, वो जबरदस्ती इसमें भी 4/12 करते हैं कि भाई 4 महीने का निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें आपको जबरदस्ती 4 महीने का नहीं निकालना, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप खुद ये बातें समझ जाओगे। तो क्लियर हो गया पहले इतना पोर्शन। चलो एक बार इसकी जर्नल एंट्रीज को ओवरव्यू करवा देता हूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। चलो तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना समझना, और ये सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 100% सेम कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में भी चलता है, बिल्कुल दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहली बात, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात है कि मान लो कोई पार्टनर हमें छोड़कर गया, तो जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसी दिन कहते हो, आप इतने गम में डूब जाते हो कि भाई अब हम अपनी बुक्स भी क्लोज करेंगे, चलो भाई बैलेंस शीट बनाए, ऐसा तो नहीं होता। तो पहला केस तो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब हम अपनी बुक्स क्लोज नहीं करते। लेकिन जो दूसरा केस है वो ये कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो जैसे ही कोई पार्टनर छोड़ के गया। तो मतलब मान लो कोई पार्टनर आज छोड़ कर गया, तो आप इतने दुखी हो गए, आपने सोचा कि अब मैं अपनी अकाउंटिंग भी आज क्लोज करूंगा और आज तो मैं अपने पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, आज तो मैं पूरी बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो ये हो गया केस 2, तो जो कम होता है वैसे, ठीक है।
अब इन दोनों केसेस के अंदर मान लो हमें पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस देना हो, लेट से, ठीक है, तो आप दोनों में फर्क देखना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते है ना, जो पहला केस है, तब हम एक टेम्परेरी अकाउंट के माध्यम से प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रॉफिट की एंट्री हो जाती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, जो भी होगा, और लॉस की एंट्री हो जाती है उल्टी, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। अब इसमें एक बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट हरे रंग से हाईलाइटेड है, वो भी फोकस कर लेना। अगर मैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो भाई डेबिट बैलेंस आप जानते हैं, डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर वो बैलेंस शीट में कहां शो होगा, एसेट साइड। और अगर आप पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं ये वाले एंट्री में, लॉस वाले में, तो क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहां शो होंगे, लायबिलिटी में। तो ये हो गया पीएनएल सस्पेंस का खेल। अब आप केस टू की तरफ देखना। अगर हम केस टू की बात करें, जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, आज आपने बुक्स क्लोज कर दी है, तो फिर हम पीएनएल सस्पेंस को यूज नहीं करते, फिर हम प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग के माध्यम से ही प्रॉफिट या लॉस को देते हैं। तो प्रॉफिट देने की एंट्री आपने चैप्टर वन में क्या लिख रखी थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स, और लॉस की एंट्री भी ऑल पार्टनर डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मतलब जो भी होगा, है ना। तो ये मतलब दो बातें मेन हो गई। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि क्वेश्चन कह दे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो फिर आपको पीएनएल सस्पेंस का सहारा नहीं लेना। तो फिर देखो, केस वन या केस टू को ऐसा भी केस हो, फिर आपकी एंट्री बिल्कुल वो गुडविल की तरह होनी शुरू हो जाएगी जो आप गुडविल की करते हो। गुडविल की क्या एंट्री करते हो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, समझ गए। तो ये तब करना है जब पार्टनर अपना रेशियो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और लॉस के केस में उल्टा हो जाएगी, लॉस के केस में क्या हो जाएगी, भाई रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर डेबिट। मतलब अगर पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया, ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो अगर पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया तो फिर आपको एंट्री अपनी पीएनएल सस्पेंस वाली नहीं करनी, फिर आपको एंट्री ये वाली। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें इन बातों को आपको बड़ी ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का और उनकी जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बाकी अब देखो, हमने इसमें क्वेश्चंस जो करे थे वो आपको फटाफट दिखा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे रेशियोज के, वो सिंपल हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बस एक छोटी सी चीज दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें जैसे लिखा था कि हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है, और लास्ट लाइन पढ़ना, थर्ड लाइन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, है ना। इसका मतलब होता है कि अब हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो इस केस में देखो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, ये देखो डायग्राम पर समझा देता हूं। प्रीवियस ईयर का क्या प्रॉफिट दे रखा है, 1,50,000। तो इस बार आपको पहले 1,50,000 को 3 months का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो 3 months का प्रॉफिट बनाने के लिए आप 1,50,000 को क्या करोगे, इनटू 3/12। तो 3 months का प्रॉफिट आपका बन गया 37,500। और फिर 3 months के इस प्रॉफिट में, 37,500 में आप कौन पार्टनर मरा था, वाई, तो वाई का शेयर कैलकुलेट कर दोगे जो आ जाएगा 2/6 यानी 12,500। तो क्लियर हो गया। तो ये मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका हो गया। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन थे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 10th, सिर्फ दिखा रहा हूं। अब इसमें भी देखो, सुनील मर गया था, है ना, सुनील की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सेकंड लाइन में येलो कलर देखो लिखा है, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब वो अपने अकाउंट्स भी उसके मरने वाले दिन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप नीचे एंट्री पर फोकस करना, क्या हमने पीएनएल सस्पेंस लिखा, नहीं, तो हमने क्या एंट्री करी, नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो समझ गए खेल। तो ये मतलब ये था। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 आप ऐसे ही मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। ये इस तरह का क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको मतलब क्वेश्चन का कंटेक्स्ट बता देता हूं।
इसमें आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना होता है और गुडविल भी देता है और आपको कहता है जर्नल एंट्री कर लो। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमने पहली एंट्री गुडविल की कर ली, वो तो सेम रहती है, और दूसरी एंट्री अपना उसके शेयर ऑफ लॉस की कर ली। तो ये मतलब आपके 3 नंबर के इस तरह के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वाला, इसमें सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना था। तो मतलब इसमें 80% क्वेश्चंस तो इसी के होते हैं कि आप उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। बाकी 24 आप अपने रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो, ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी आपको गुडविल भी निकालनी थी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना था, मतलब इसमें आपको दोनों चीजें खुद ही कैलकुलेट करनी थी और फिर एंट्रीज करनी थी, है ना। तो ये मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी आप मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। इसमें तो इसमें बेसिकली आपको बैलेंस शीट दे रखी है और एक पार्टनर शिरीष जो है वो 3 महीने बाद मर जाता है। बाकी एक इस तरह का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है और गुडविल भी कैलकुलेट करनी है, और फिर वो कह रहा है कि अब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, अब डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो मतलब आप देखो कि भाई उसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने शुरू में देखा था। तो बैलेंस आ गया, पीएनएल सस्पेंस आ गया, रिजर्व पीएनएल जो था उसका मतलब चॉकलेट उसका शेयर आ गया और गुडविल का शेयर आ गया, और जो बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। चलो 32 जो है वो भी इसी तरह का था, मतलब सेम ही है। तो आप एक कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने हैं, गुडविल निकालनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इस तरह के हमने ये क्वेश्चंस करे थे। अच्छा अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट भी एक 4 नंबर का कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली रिटायरमेंट में जैसे लोन अकाउंट बनाते थे बिल्कुल उसी तरह डेथ के अंदर हम डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो वही कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है कि भाई जैसे इसी कहानी से समझा देता हूँ लेट से। तो जैसे इसमें पार्टनर 30 जून को मर गया और उसका बैलेंस बचा हुआ था 70,600 रुपए, है ना, और हमने उसको 10,600 रुपए तो इमीडिएटली पे कर दिए और बैलेंस उसको बोला कि 3 किश्तों में देंगे तुम्हें, ठीक है, और टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट। तो बताओ किसको याद है कि इसमें और रिटायरमेंट वाले लोन अकाउंट में बस क्या अंतर होगा। मतलब बिल्कुल सही। अब इसमें क्योंकि ईयर एंड तो 31 मार्च को होता है और पार्टनर मरा कब है, 30 जून को। तो इसमें जो होता है आपको मैंने समझाया भी था डायग्रामेटिकली, अब देख लो कि इसमें जब हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 30 जून से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे और 9 महीने बाद ईयर एंड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आपको याद आ रही है। 30 जून से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने का करेंगे, सिर्फ 9 महीने, फिर ईयर एंड हो जाएगा और अगले फिर 3 महीने का इंटरेस्ट अगले ईयर में लाई करेगा। ऐसे इसमें मतलब इसमें जो 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 9 महीने का अलग होगा और 3 महीने का अलग होगा। तो डेमो करके दिखा देता हूँ एक, जैसे 60,000 पर आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है तो कितना बन गया, जैसे अगर आप सीधा फ्लैट निकालो तो कितना हो गया, 6,000। लेकिन हम डायरेक्टली 6,000 लिख नहीं सकते, हम 9 महीने का अलग निकालेंगे वो कितना होगा, 4,500, और 3 महीने का जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में निकला होगा वो कितना होगा, 1,500। तो ये इसमें बात होती है ना, बाकी आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओरली सुन के तो लगता है हाँ सब समझ आ गया, लेकिन एक बार हाथ से करना पड़ेगा तो आपको क्लैरिटी खुद होगी कि भाई ओके ऐसे हो रहा है। तो अकाउंट के अंदर भी इसी बात को देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो वो लिख देंगे बाय सी कैपिटल 70,600 और फिर हमने उसको इमीडिएटली 10,600 पे कर दिया था टू बैंक। लेकिन आप बाय इंटरेस्ट देखो, उस पर फोकस करो, ईयर एंड पर मैंने बाय इंटरेस्ट में सिर्फ कितना इंटरेस्ट लिखा, 9 मंथ्स, और फिर ईयर क्लोज हो गया। तो समझ आ गया सबको, तो आपको 9 मंथ्स के इंटरेस्ट के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा और जब आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो 3 मंथ्स का बचा हुआ इंटरेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में
जा रहा हो। तो मतलब एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आपको ये दिक्कत थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है कि वो बीच में मर गया तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट या 9 महीने का जो भी होगा वो इंटरेस्ट अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अवश्य खुद से करके देखना कि भाई अलग अलग डेटों पर अगर वो मर रहा है तो किस प्रकार से हमें ईयरली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम्पल जो था ये आपकी उसमें मदद कर देगा। बाकी 3 किश्तों में हमने पैसे दिए वो एज इट इज बात रहेगी, अकाउंट बिल्कुल लोन अकाउंट की तरह ही बनेगा, एंड में जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका, वो भी एक बार देख लेते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट था इसका सेक्शन 37 का। ठीक है जी, सेक्शन 37 एक मतलब कानूनी सेक्शन है जो ये कहता है कि मान लो आपने किसी डिसीज्ड पार्टनर को पेमेंट देने में देरी कर दी, आपने उसको पैसा टाइम से नहीं दिया, तो फिर तो जो भी एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट लिखा होगा उस हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट दोगे, या जो भी एग्रीमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा वो दोगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता। तो बी पॉइंट बस पढ़ लो, देख लो और सीख लो। तो अगर मान लो एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो हम डिसीज पार्टनर को दो चॉइस देते हैं, मतलब उसके एग्जीक्यूटर को दो चॉइस देते हैं कि भाई या तो तुम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, और या फिर तुम हमसे शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तुम वो ले लेना। तो हम उसको दो चॉइस देते हैं। अब इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकालते हैं ना वो ये रट लेना अच्छे से कैसे निकलता है, अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, होल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, वो अभी क्वेश्चन में होगी, इनटू जो भी प्रॉफिट्स कमाए, तो आपको इससे डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं डेमो दिखाता हूं आपको, एग्जांपल। मान लो सी मर गया था, ठीक है, और सी को कितने रुपए देने थे मुझे, 70,600, लेकिन मैंने 5 महीने तक उसको पैसे नहीं दिए, मैंने 5 महीने डिले करा, है ना। तो अब सी जो है वो हमसे, अच्छा ये तो वैसी एग्जांपल था, तो सी के पास दो ऑप्शन होंगी, या तो वो हमसे 6% का इंटरेस्ट ले सकता है या फिर वो 5 महीने के प्रॉफिट में हमसे शेयर ले सकता है ना। तो अब देखो एग्जांपल ये है, ये वाला करता हूं डिस्कस, ध्यान से बस आप ऑब्जर्व करना। इसमें एबीसी 3 पार्टनर थे, 4, 3, 2, और सी मर गया 1 जुलाई को, और तीनों की कैपिटल्स है 75, 65 और 45, और लिखा हुआ है कि अमाउंट इज अनपेड टू द सी फॉर 6 मंथ्स, हमने 6 महीने तक सी को पैसे नहीं दिए, और लिखा है कि 6 मंथ में हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 50,000 कमाया। तो अब आप देखो दोनों ऑप्शंस दिखाता हूं कि अब सी के साथ हम क्या कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन तो है कि हम सी को जो भी उसका अमाउंट है 45,000 उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 6 मंथ्स के लिए 1,350 इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये तो हो गया ऑप्शन वन। तो पहले ऑप्शन वन सबको क्लियर हो गया, इंटरेस्ट 6% पर एनम। दूसरा ऑप्शन, हम सी को कह सकते हैं कि भाई सी तुम्हें हम ना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताओ, क्या सिखाया था, अमाउंट पेबल टू सी वो कितना है, 45,000 होल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, तो तीनों की कैपिटल जोड़ोगे तो कितनी आ गई, 185, है ना, इनटू प्रॉफिट्स, 6 महीने का प्रॉफिट्स कितना है, 50, तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगा 12,162 रुपए अप्रोक्स। तो ये उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली सी दोनों ऑप्शन में से कौन सा वाला चूज करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो ज्यादा है। तो क्लियर हो गया। तो इसका एक ही क्वेश्चन है बस सेक्शन 37 का, मतलब एग्जाम्पल से चाहे आप रिवाइज कर लेना जो मैंने सिखाया, नहीं तो एक क्वेश्चन जो करा है वो भी कर सकते हो। बट क्लियर हो गया कहानी कॉन्सेप्ट। चलो, तो मतलब डेथ के कॉन्सेप्ट अगर देखें तो टोटल में यही सारे कॉन्सेप्ट थे। आज के चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब देखो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पुराने चैप्टरों से बिल्कुल अलग है। तो मान लो किसी बच्चे को पुराने चैप्टर के कुछ भी नहीं आता, तब भी आप ये चैप्टर कर सकते हो मज़े से, और इसमें आपको 6 नंबर तक की वेटेज एग्ज़ाम में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा,
और फर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग बात है, ठीक है, ये हमने लिखा था। क्योंकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो है कि भाई मान लो एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, या चेंज इन PSR हो रहा है, तो उसमें बिजनेस चलता रहता है, लेकिन इस चैप्टर में अब बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है जी। बाकी सेक्शन 39 कहता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि सभी पार्टनर्स के बीच में डिसॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है बस। बाकी मुद्दे की बात आपके लिए यही है कि बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि डिसॉल्यूशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से डिसॉल्यूशन हो सकता है फर्म का। तो इसमें पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम सब मिल बैठ के आपसी सहमति से फर्म को बंद कर लेते हैं, यानी कि वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। दूसरा होता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कंपलसरी डिसॉल्यूशन में हो सकता है, जैसे एग्जांपल है कि भाई सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से अब फर्म बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसॉल्यूशन। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि भाई इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। अब ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा क्यों। अब मान लो कोई पार्टनर पागल हो जाए, तो कोर्ट को अगर लगता है कि इस फर्म को बंद करना है तो वो कर सकती है। अब आप जज मत बन के सोचना कि सर क्यों, अगर पार्टनर पागल हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है। अब वो आपको नहीं सोचना, वो किसको सोचना है, कोर्ट को सोचना है। तो ये कोर्ट को सोचना है कि भाई इस फर्म को बंद करना है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना, तो कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, कोई पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाए, या फिर कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा उस केस में कोर्ट चाहे तो फर्म को बंद कर सकती है। तो ये कोर्ट का निर्णय है। बाकी नोटिस देकर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नोटिस का मतलब है कि भाई जैसे हमारी पार्टनरशिप एट विल है, मान लेते हैं, तो हमने एक नोटिस दे दिया हम सब पार्टनर से मिलकर कि भाई हम ये फर्म को बंद कर रहे हैं, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। उसमें जैसे एक एग्जांपल हमने ऐसी लिखा था, लेट से डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मान लेते हैं हमने डीड में एक पॉइंट मेंशन करा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर मर गया तो फिर हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो मतलब वो कुछ भी कंडीशन लिखी जा सकती है। तो अलग अलग बेसिकली ये मोड्स हो गए जिससे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है जी। बाकी फिर हमने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन लिखा था, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में ये था कि हम लॉसेस को कहाँ से सेटल करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लॉसेस को हम सेटल करते हैं अगर हमारे पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर वो कम पड़ जाएंगे तो फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल से भरपाई करेंगे, और अगर वो भी कम पड़ जाएगा पैसा, तो लास्टली फिर पार्टनर्स अपने घर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसे लाएंगे। खैर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये तो थ्योरी के लिए ही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेक्शन ये मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, रट लेना अच्छे से, कि हम किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। सेक्शन 48 में हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी पे करते हैं सिक्योर्ड वाली, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी पे करते हैं अनसिक्योर्ड वाली, उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हैं, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं, और अंत में अगर कुछ बच जाएगा तो फिर वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में पेमेंट्स की जाती हैं। तो ये भी थ्योरी में पूछ लेता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद जी आया था हमने इन सब बातों को समझ के सेक्शन 49। ये छोटा सेक्शन था। सेक्शन 49 में बस दो टर्म्स सिखाई जाती हैं, एक को बोलते हैं फर्म्स डेट, एक को बोलते हैं प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब है जो फर्म्स की डेट है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटियाँ हैं, और प्राइवेट डेट का मतलब है जो पार्टनर की अपनी घर की लाइबिलिटियाँ हैं, पर्सनल लाइबिलिटियाँ हैं। तो इसमें बस हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो पहले बिजनेस के डेट को पे करने में यूज़ होगी और फिर प्राइवेट डेट को पे करने में यूज़ होगी, और अगर पार्टनर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है
तो पहले वो पार्टनर की पर्सनल डेट पे करने के लिए यूज़ होगी और फिर फर्म की डेट पे करने के लिए यूज़ होगी। तो हमने इसका एक क्रक्स लिख लिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका डेट पहले पे होगा। तो यहाँ तक याद आ गया सबको। चलो अब आते हैं जी अकाउंटिंग पर, जो आपको याद करनी है अच्छे से रट लेना, अगर समझ में ना आए तो भी। तो सबसे पहले जी बैलेंस शीट से हम एसेट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको सिखाया था एसेट्स क्लोज करने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से सारे एसेट्स खाली कर देते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री है, बताओ क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू जो भी एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि गुडविल भी इंक्लूड होगा लेकिन कूड़ा इंक्लूड नहीं होगा, और कैश या बैंक इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कैश या बैंक हम अलग से बनाते हैं और कूड़े को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन में। फिर लाइबिलिटीज़ क्लोज करते हैं हम, तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या क्लोज हो जाएंगी, सारी आउटसाइड लाइबिलिटियाँ, लेकिन किन्हें क्लोज नहीं करना, पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर के लोन को और रिजर्व्स को, क्योंकि पार्टनर का लोन हम अलग से डील करते हैं, रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कैपिटल भी अलग से डील करते हैं। तो पहले दो पॉइंट तो मतलब बेसिक हो गए। फिर मेन है थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, अगर कोई भी एसेट हो, देखो ब्रैकेट में लिखा है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मतलब चाहे वो बैलेंस शीट में है या नहीं है हमें मतलब नहीं है, अगर कोई भी एसेट हमने बेचा सोल्ड करा तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो एंट्री होगी पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो ये सबको याद आ गया, ओके। इसी तरह लाइबिलिटीज़ चाहे कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो मेन याद रखनी है। फिर हैं जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो काफ़ी बच्चों के जी का जंजाल होते हैं। उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि इसमें दो टर्म्स होते हैं जी, एक होता है बॉर्न, एक होता है पे। बॉर्न से आप हमेशा डेबिट एस्पेक्ट लिखो, पे से आप हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट लिखो। फर्म अगर बॉर्न करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर अगर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। बात करें पे करने की, फर्म अगर पे करती है तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और पार्टनर अगर पे करता है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो इस कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके चार केसेस बन सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि कभी कभी फर्म किसी पार्टनर को कहती है कि हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, कमीशन देंगे या रेम्यूनरेशन देंगे इस रियलाइजेशन के काम के लिए, तो फिर हमें एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है जो है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन वोश्चन में आप देख लोगे, कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी स्टेप्स अपने माइंड में रखने के लिए बताए थे आपको कि कैसे चलने हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है आपको, स्टेप वन। फिर जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेच देंगे, स्टेप टू। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर देंगे, स्टेप थ्री। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आ जाएगा, वो रियलाइजेशन का आंसर हम पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को मैच कराएंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश अकाउंट में डाल देंगे, और फिर लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो याद आ गए सबको स्टेप्स। तो ये उसके स्टेप्स थे जिससे, जो हमने देखा था कि भाई टैली हो जाते हैं। फिर आओ जी स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स आपको अपने हाथों पर टैटू करवा के या फिर एक जुराब में, फर्रे में छुपा के लेके जाने पड़ेंगे ताकि आप इन्हें भूल ना पाए। तो पहला पॉइंट तो है, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें पहला स्पेशल पॉइंट है। पुराने चैप्टरों में तो एग्जिस्टिंग गुडविल हम राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले इतना ओके हो गया पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हमने कोई भी अपना एसेट किसी भी लाइबिलिटी वाले को दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, चाहे कैसा भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, लाइबिलिटी हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, तो वो दे देंगे। बाकी मोहित बाबू पूछ रहे हैं कि सर अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हुई तो ये बहुत ही बेतुका सवाल है मोहित बाबू। अब कौन बच्चा बताएगा कि कोई बिजनेस अगर बंद हो रहा है
तो क्या पार्टनर्स बैठ के ये निकालेंगे, चलो यार गुडविल निकालें, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया है, आओ। तो डिसोल्यूशन में कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नामक चीज़ ना तो कभी थी ब्रह्मांड में और ना आने वाले 5000 वर्षों तक कभी होगी, तो इसीलिए आप इससे निश्चिंत रहें, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो दो पॉइंट ओके हो गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं क्यों। अब देखो, हमारे बहुत सारे एसेट्स होते हैं और हमारी बहुत सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि हमने इसको कितने में बेचा या हमने इसको कितना पे करा, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सुनहरा मतलब सुंदर लॉजिक है कि मान लो मेरे पास कोई टेंजिबल एसेट्स है, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक फर्नीचर है, तो हम ये मान लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जितनी भी इसकी बुक वैल्यू है उस पर बेच दिया होगा। मान लो मेरे पास ये बॉटल है और क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई इसका क्या हुआ, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये बॉटल मैंने 10 रुपये में बेच दी होगी, गिवन दैट इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये है। तो हम हर एसेट और हर लाइबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बेच दिया गया होगा कितने रुपए पर, बुक वैल्यू पर, ये अपने आप एज्यूम किया जाएगा। और यही एज्यूम किया जाएगा कि बेच दिया है, हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि पार्टनर ने टेक ओवर करा है, एज्यूम क्या करना है कि हमने इसको बेच दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट और भी है, अगर मान लो कोई इनटेंजिबल एसेट है तो ये ध्यान रखना, कोई भी बंद होता हुआ बिजनेस, आपको अगर कहूं मैं कि बच्चों ये बिजनेस बंद हो रहा है जाओ इसकी गुडविल खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। या ये बिजनेस बंद हो रहा है जाओ इनके पेटेंट्स खरीद लो, इनके पास कॉपीराइट्स पड़े हैं जाओ खरीद लो, तो आप खरीदोगे? नहीं। मतलब लॉजिकली माना ये जाता है कि बंद होते हुए बिजनेस के जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। तो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप मान लेना कि ये हमने मतलब 0 रुपये में बेचे हैं, इनकी सेल वैल्यू 0 है, क्योंकि ये बंद होते हुए बिजनेस के जनरली नहीं बिकते। तो क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे। बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी की यहाँ एक लिस्ट लिखवाई थी ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन होते हैं और कौन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होते हैं, वो उधर लिखवा रखे हैं। तो अब देखो जी, आउटसाइड लाइबिलिटी कौन होते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं हैं वो भी ध्यान रखने हैं। IFR, WCR, पार्टनर का लोन, वो हम अलग से डील करते हैं, पार्टनर की कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप, ये सब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है। अब आते हैं जी IFR के ट्रीटमेंट पे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कोई केस कूस कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और IFR भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी इसमें कोई केस का नाटक नहीं होता, ठीक है, ओके। WCR लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखना जो आपको लिखवाए थे एग्जांपल्स। WCR मान लेते हैं 10,000 का है बैलेंस शीट में और पहले केस में कोई क्लेम या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये WCR किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है, पहला केस तो सिंपल। दूसरे केस में मान लेते हैं 4,000 की लायबिलिटी आ गई, तो उस केस में आपको पार्टनर्स के बीच में सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ओनली 6,000, और 4,000 की जो लायबिलिटी है वो आपको पहले अपने रियलाइजेशन में शो करनी पड़ेगी कि भैया देखो 4,000 की लायबिलिटी है, और बाद में उस लायबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा, तो डेबिट में इसलिए आप टू बैंक देख रहे हैं 4,000 रुपये। तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। तो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया भाइयों बहनों ट्रीटमेंट। चलो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, अब क्लेम 13,000 रुपये का है, तो अब पार्टनर्स को कितना मिलेगा इस बार? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे रिजर्व में सिर्फ कितने रुपए थे? 10,000। तो इस बार हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन इस बार ये ध्यान रखना है
कि हम जो लाइबिलिटी ट्रांसफर करके शो करते हैं वो सिर्फ शो करते हैं, देखो क्या लिखा है येलो कलर में हाईलाइटेड, अप टू रिजर्व जितना है उतना। तो हम लाइबिलिटी कितनी शो करेंगे इधर जब शो करेंगे क्रेडिट में, ओनली 10,000। लेकिन जब पेमेंट करेंगे टू बैंक देखो, तो पेमेंट कितनी करते हैं हम, 13,000 कंप्लीट। तो ये इसमें क्लासिक मतलब केस थ्री का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। तो जब रिजर्व से भी ज्यादा की लाइबिलिटी है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगा। तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे, लाइबिलिटी जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे अप टू WCR, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली 3,000 का ना लॉस आ जाता है रियलाइजेशन में, जो बाद में पार्टनर के पास पहुंच जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद सबसे स्पेशल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर के लोन का क्या करना है सर। मान लो ए का लोन है, तो अब ध्यान से सुनना, ए का लोन है 10,000, इसका मतलब है कि हमें ए को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। तो केस वन, अगर ए की कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस तो सबको पता है कहाँ बचता है कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड, हाँ डेबिट साइड। तो अगर ए के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो हम ए को 10,000 रुपये का लोन पे कर देंगे। तो पे करने की क्या एंट्री हो जाएगी, ए लोन डेबिट टू बैंक। तो ये तो सिंपल केस है। लेकिन सेकंड केस थोड़ा सा क्लासी है। सेकंड केस में मान लेते हैं कि ए का डेबिट बैलेंस बच रहा है लेट से 16,000 रुपये। ए का कितना बैलेंस बच रहा है डेबिट में, 16,000 रुपये। इसका मतलब है हमें ए से 16,000 लेने हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, अगर आप ध्यान से समझो कि हमें ए से 16,000 लेने हैं और दूसरी तरफ ए को 10,000 देने भी हैं। तो एक ही आदमी से 16,000 लेने हैं, उसी आदमी को 10,000 देने हैं, तो आप क्या करेंगे, 6,000 ले लेंगे उससे। तो यही बात इसमें केस टू में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो जर्नल एंट्री हो रही है वो कुछ ऐसी होगी, ए लोन डेबिट 10,000। इसका मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी जो है ए लोन वाली वो ख़त्म हो गई और ए से हम सिर्फ कितना कैश ले लेंगे, 6,000। तो इसीलिए कैश डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल 16,000, यानी कि ए से हमें 16,000 लेने थे तो हमने जो लेने थे उसको कैसे एडजस्ट कर लिया, 10,000 तो लोन से एडजस्ट कर लिया और बचे हुए 6,000 उससे कैश ले लिया। तो लॉजिकल है भाइयों बहनों, देखो मान लो आपको मुझे पे करने हैं 10,000, ठीक है, ऐसे सोचना आप, आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं और मुझसे ही आपको 16,000 लेने भी हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर 6,000 दे दो, यही तो होगा भाई, भाई सबको क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप इसको आराम से घर जाके दोबारा से देखना, समझना, करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है तो फिर हम उसके लोन को उसी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फिगर चेंज करता हूँ, मान लो 16,000 की बजाय बच रहा होता लेट से सिर्फ 4,000 या 6,000, सॉरी हाँ मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता, 16,000 की बजाय मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता कि भाई मुझे 6,000 लेने हैं, तो क्या होता। तो अब दोबारा से कहानी घुमाओ, आपको मुझे 10,000 देने और मुझसे ही आपको 6,000 लेने हैं, तो आप क्या करोगे, 4,000 पे कर दोगे। तो देखो इस बार क्या एंट्री बन गई, ए लोन डेबिट, तो 10,000 की लाइबिलिटी ओवर और आप कितना पे कर दोगे, टू कैश 4,000। तो मतलब ये कि केस टू जो है वो घातक साबित हो सकता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के जाना कि अगर किसी पार्टनर का लोन है, दोबारा समझा रहा हूँ ध्यान से ताकि आप समझ पाओ, तो अगर किसी भी पार्टनर का लोन है और उसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच जाए कैपिटल अकाउंट में, तो फिर आपको ये तिगड़म लगानी पड़ेगी। तो समझ गए क्या तिगड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये हो गए स्पेशल पॉइंट लोन वाले। बस फिर तो खैर सवाल हमने करे थे वो आपको मैं बता देता हूँ कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन 26 आप मार्क कर सकते हो, तो जब आप रिवीजन करो तो बुक से एक 26 कर सकते हो।
है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन था लेजर बनाने का। इसमें देखो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट बना और वो टैली हो गया। और देखो इसमें कि वो वाला पॉइंट भी आया, इसमें सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट था, है ना, तो इसकी हमने सेल वैल्यू कितनी एज्यूम करी? निल। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की सेल वैल्यू क्या हम एज्यूम करते हैं? निल। ठीक है ना। इसी तरह आप एक 28 भी मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था। इसमें जर्नल एंट्रीज करवाई थी उसने, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें जर्नल एंट्रियाँ हो रही हैं। पहले एसेट क्लोज हुआ, लाइबिलिटी क्लोज हुई, एसेट बेचा, लाइबिलिटी पे करी, प्रॉफिट आ गया, फिर कैपिटल से अमाउंट पे कर दिया। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा ये सब बेसिक क्वेश्चन मतलब हर तरह के कवरेज के हैं। बाकी आप एक 38 मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पार्टनर का लोन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट, अगर सब कुछ होगा वो भी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हालांकि डिसोल्यूशन में ये ध्यान रखना, एक पॉइंट यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया तो आप करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। दिखाता भी हूँ पोस्टिंग, तो डिसोल्यूशन के अंदर हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखो हाथ का निशान, हरे रंग का सी सिंबल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, अब करंट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी प्रोसीजर सेम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह 39, इसको भी आप मार्क कर लो, एक रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्टनर का लोन भी है, इसमें रिजर्व भी है, इसमें एक पार्टनर का लोन अगर आप देखोगे तो एसेट में भी नज़र आ रहा है। मतलब इसमें ये भी एक यूनिकनेस हो गई कि हमने पार्टनर को लोन दिया भी है 10,000 का, तो सर इसका क्या होगा? दिखाओ ज़रा लोन टू शोभा का, हमने पार्टनर को 10,000 लोन दे भी रखा है। तो देखो इसका कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, कहाँ है कहाँ है, चलो यहाँ देख लो। ये रहा सितारा, हाथ का निशान। तो हमने शोभा को लोन दे रखा था 10,000, तो शोभा ने वो लोन के पैसे देखो हमें दे दिए, तो हमने सीधा अपने कैश को या बैंक को डेबिट कर दिया, तो मतलब हमें शोभा से 10,000 मिल गए। तो देखो उसकी पोस्टिंग आपको यहाँ ऐसे नज़र आ रही, तो इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब यूनिकनेस नज़र आएगी। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसके बाद 40 भी आप एक मार्क कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं, कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना था, कैपिटल अकाउंट था और दो चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद देखो अब जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछ सकता है। बाकी देखो जैसे 42 क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसने क्या कर रखा था, इसमें उसने बैलेंस शीट दे नहीं रखी थी, इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट खुद से बना कर नहीं दे रखी थी, उसने उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लिख कर दे दिया था। तो अगर आपको लिख कर इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी खुद बना सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाई थी। तो आप 42 को भी अगर लिखना चाहते हो तो एक बार देख लिख लेना, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी। तो बैलेंस शीट हमने खुद बनाई थी, बाकी तो फिर सॉल्यूशन सिंपल था। अच्छा देखो अब तीन तीन नंबर के, चार नंबर के एग्जाम में जो छोटे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको दो तीन पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं जर्नल एंट्री करो। तो आप थर्ड क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंट्रियां करनी थी। इसके अलावा आप एट्थ क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हो, इसमें भी देखो हमें एच पॉइंट्स दे रखे हैं सबकी, हमें अलग अलग जर्नल एंट्रियां करनी थी। तो दिखाता हूँ आपको, देखो इस तरह से फिर हमें हर पॉइंट की अलग एंट्री करनी पड़ती है। फिर आप इसके बाद 16 भी मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरह का चार नंबर का आता है, इसमें भी आपको चार पॉइंट्स दे देता है और आपको चारों की एंट्रीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। बस तो मतलब जब आप डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस करो तो ये है बेसिकली पूरे चैप्टर में। तो दो वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है, ठीक है। चलो तो मतलब ये कहानी है डिसो की।